शेयर द लिंक ऑन द टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर आप जो शेयर लेक्चर की लिंक शेयर कर दीजिए क्योंकि फिर वो सारे बच्चे वहां पे है अपना जो त्रिशूल ग्रुप बना हुआ है वहां पे शेयर कर दीजिए गुड मॉर्निंग अवनी गुड मॉर्निंग एवरीबडी अब मैं आपको शेड्यूल भी डिस्कस करती हूँ फर्स्ट ज्वाइन इन फास्ट फिर मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ देखो पी वी हैव डन पी पी इज लेक्चर वन लेक्चर नो साउंड का मनटे नहीं एक मिनटे हाँ ओके अल्लाह देखो लेक्चर वन लेक्चर थ्री एंड लेक्चर फोर आई हैव डन पीजीबीपी करेक्ट आज की डेट क्या है आज ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव को है दोनों को मैं क्या करूँगी यहाँ पे आई डू आई ओ एस यहाँ मैं आई टी आर लेती हूँ छब्बीस जनवरी को मेरी हॉलीडे होगी इसलिए मैं सैलरी नहीं ले रही हूँ तो वो बीच में लिंक टूट जाएगी तो छब्बीस जनवरी को यहाँ मैं सेट ऑफ़ का चैप्टर प्री रिकॉर्डेड दे दूंगी तो हियर आई गिव यू सेट ऑफ़ का लेक्चर विच विल बी प्री रिकॉर्डेड ठीक है देन आई विल कम एंड देन आगे लाइव आई विल टेक सैलरी सो प्लीज़ यू कैन नोट डाउन दिस शेड्यूल मैम फेस टू फेस है है बट इट्स इन अ स्टूडियो तो लिमिटेड जगह है यहाँ पे सो फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग ऑलरेडी नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ह्यर पीजीबीपी के चार लेक्चर्स रेडी है पूरा यहाँ पे थियोरी कंप्लीट हो गया है दिस इज़ ऑलरेडी डन ट्वेंटी को आज मैं आई ओ एस कम्प्लीट करूँगी ट्वेंटी को मैं आई टी लूँगी कल तो आपको पढ़ाई करके आना है उस हिसाब से आपका शेड्यूल बनाना है फिर 26 को हॉलिडे होगी विच इज़ अ थर्स सो आई विल लेट यू नो अबाउट आगे जो भी सैलरी होगा आई विल टेक लाइव सैलरी मैं लाइव करूँगी मैं लाइव टीडीएस का करूँगी टीडीएस रिवीजन, सैलरी सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड होगा बीच में जब भी हॉलीडे होगी मैं तभी एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस प्री रिकॉर्डेड दूंगी आपको तो इस तरीके से uh, होगा ये मैं आपको पता है क्या कर रही हूँ आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर पेपर सॉल्विंग और ये सब इतना होने के बाद आई स्टार्ट पेपर सॉल्विंग कैपिटल गेंस हम बाद में देखेंगे लास्ट में देखेंगे क्या करना है क्योंकि वो छोटा मोटा एडजस्टमेंट जैसे जैसे पेपर में आता जाएगा वो पेपर के थ्रू ही करा दूंगी कैपिटल uh, गेंस का भी लेक्चर लूंगी बट आफ्टरवर्ड्स तो बेसिकली दिस इज़ माई प्लान पी जी बी पी आई ओ एस आई टी आर छब्बीस जनवरी को होगी छुट्टी फिर उसके बाद uh, कल का लेक्चर अपलोड हो गया है कल का लेक्चर ऑलरेडी मैंने एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया है आई थिंक वो टू आवर्स का लेक्चर है ऑलरेडी इट इज़ प्री रिकॉर्डेड and it is uploaded on YouTube. Okay, na? Uploaded on YouTube. Already it is uploaded on YouTube. तो इस सारे lectures की ये live नहीं होगा This will be pre-recorded. Technical issue की वजह से हमने change किया है अभी studio. तो अब के बाद अभी आपको technical issues नहीं आएंगे So जो भी lecture है free flow चलेगा अपना तो ये आपका sequence है for income tax. Are we okay? प्लीज नोट दिस डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बाद मैं लूंगी पेपर सॉल्विंग पेपर सॉल्विंग होगा लाइव हाँ 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 ठीक है फिर आई विल टेक पेपर सॉल्विंग ये मैं लाइव लूंगी सो दिस इज वॉट इज माई प्लान सो आपको जो छोटा मोटा कुछ पार्ट होगा आपको करना है जैसे एग्जामेशन आप देख लो एक बार या ऐसा कुछ है पेपर सॉल्विंग के साथ जो जो आएगा मैं कराऊंगी फिर हाँ तो चैप्टर वाइज ये मैं दूंगी डिडक्शंस का जैसा होता है वैसा कर दूंगी ठीक है जिंदल उस लेक्चर में वॉइस नहीं वो लेक्चर नहीं दिया है मैंने आई रिकॉर्डेड अ फ्रेश दिस इज अ फ्रेश न्यू लेक्चर जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है फोर्थ लेक्चर वॉज ऑल्सो लाइव नहीं लिया मैंने लाइव लेकिन ठीक है चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड अभी ऑलरेडी आईओएस का सिंपल सा टॉपिक है खत्म करना है जनरली मैं पीजीबीपी के बाद तुरंत आईओएस इसलिए लेती हूं क्योंकि बहुत सारा लिंक होता है आईओएस और पीजीबीपी में आप नोटबुक खोलेंगे वील सी स्ट्रेट पाइन कॉर्ड स्ट्रेट आई कॉन्टेक्ट विथ योर टीचर एंड फुल एनर्जी के साथ अभी हम करेंगे ये yes, अफकोर्स uh, एक और बात ये पेपर सॉल्विंग के बाद मैं लूंगी जीएसटी

मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं एकदम सीट स्ट्रीट इंटर सेशन चाहिए केवासी uh, के सोल्यूशन में चेक करा के दूंगी आपको पीजीबीपी के आपने कर दिए क्या सोल्व तो ओके okay. तो मैं केवाईसी चेक कराती हूँ और फिर आपको आईओएस का कराती हूँ डिड यू सोल्व केवाई सी ऑफ पी अच्छा केवाई आखिरी में चेक करते हैं क्योंकि क्या मुझे का लेक्चर आज खत्म करना है दैट्स माई टारगेट तो आज आई ओ एस खत्म करने का टारगेट है सो लेट्स स्टार्ट आई वी रेडी येस लेट्स गो हैड नाउ बेटा आई ओ एस इज अ रेसिडरी हेड ऑफ़ इनकम आपको ये जानना है कि अगर कोई भी इनकम पहले चार हेड्स में फिट नहीं होता देन इट विल कम अंडर आई ओ एस इफ़ इट डजेंट फिट इन टू द एनी फर्स्ट फोर हेड्स इट इज गोट टू कम अंडर आई ओ एस ना वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई ओ एस में जनरली पी जी बी पी एंड आई ओ एस है ना काफ़ी सिमिलर होते हैं जनरली वॉट हैपन्स बेटा पी जी बी पी एंड आई ओ एस आर क्वाइट सिमिलर ना यू हैव टू नोट डाउन हियर आपका जो uh, चीज़ें हैं आपने नोट करना चाहिए यहाँ पी जी बी पी एंड आई ओ एस अलाउ एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग सो क्या करते हैं एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो दे विल अलाउ यू विथ एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग बराबर है तो आप यहाँ पे पी और आई में मकन डाइल भी फॉलो कर सकते हैं और कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं उसके बाद देर आर सम इनकम्स ये रेस्यूडरी हेड होता है रेस्डरी हेड ऑफ़ इनकम होता है लेकिन दे आर सम इनकम्स विच आर कंपलसरी टैक्सेबल आर सम इनकम्स कंपल्सरी आर कंपलसरी 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 टैक्सेबल अंडर या ये देखो सम इनकम जो पक्का पक्का आईओ एस में आने वाले बहुत ईजी सा चैप्टर है आपके लिए स्कोरिंग है ये आपको पता है एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है लेकिन ये कंबाइंड क्वेश्चन किसी और एडजस्टमेंट में ये आपको एड होके ये आता है तो सम इनकम्स जो आईओ एस में आने वाले इसकी लिस्ट बनाएंगे तो पहला इनकम जो आईओ एस में आएगा इस डिविडेंड बॉस डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज टू बी टैक्सेबल अंडर आईओएस तो मैं रीजन क्या है कि मैं पीजेवीबी के बाद ये लेती हूँ क्योंकि मैंने आपको पता है वो शेयर्स वाला पार्ट लिखवा के दिया था कि शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट या शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड तो हमने लिखा था शेयर्स कैसे भी हो उसका डिविडेंड हमेशा आई ओ एस में आता है कमान गाइज आई वॉन्ट अ इंटर एक्टिव सेशन तो डिविडेंड हमेशा कहाँ जाएगा आई ओ एस में आएगा तो ये हो गया दूसरा इनकम जो हमेशा अच्छा डिविडेंड के बारे में अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं डिविडेंड के बारे में ब्रीफ में बता देती हूँ तो ऐसा करेंगे डिविडेंड uh, के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ डिविडेंड कैन बी योर डीम डिविडेंड ऑल्सो सो डिविडेंड में क्या आएगा डीम डिविडेंड भी आएगा डीम डिविडेंड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू ट्वेंटी टू दिस इज ए बी सी डी एंड ई तो बेटा ई e वाला जो है ये स्टाफ परफॉर्मर है ये इंपॉर्टेंट है ये जो डीम डिविडेंड होता है कंपनी इज गिविंग लोन कंपनी इज गिविंग लोन टू शेयर होल्डर तो कंपनी डेंजर मैम मन नहीं मानता है वाला प्रोविजन है ये पता है शेयर होल्डर को लोन मिल रहा है शेयर होल्डर को लोन मिल रहा है एंड दैट लोन इज ग्रीटेड एज अ इनकम क्या मैम लोन तो लायबिलिटी होती है पता है मैम मन नहीं मान रहा है ये वैसी प्रोविजन है जो मन नहीं मानता है लेकिन एक्ट ने बोल दिया कि बेटा ये आपका आईओएस इनकम होगा सो so, वेन अच्छा ये शेयर होल्डर कौन सा शेयर होल्डर होना चाहिए कोई भी ऐसा वैसा शेयर होल्डर चल जाएगा कौन सा शेयर होल्डर होना चाहिए मैम ये जो शेयर होल्डर होना चाहिए ये ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए हु हैजस्टैंशियल इंटरेस्ट पूरे इनकम टैक्स में सबस्टेंशियल इंटरेस्ट ट्वेंटी परसेंट होता है ये एक ही चैप्टर है जहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है टेन परसेंट तो सब्सटैशियल इंटरेस्ट है और कितना सब्सटैशियल इंटरेस्ट होना चाहिए टेन परसेंट यस तो डीम डिविडेंड में ये बाकी सब क्या होता है पता है ये ए बी सी डी में ई e में एक कॉमन पॉइंट जो है कि दिस विल बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट बिल्कुल मेरे साथ लिखते जाना है आप आ, खुद के हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होता है बेटा आ, मैं आपके साथ ऑफकोर्स चार्ट बुक मेरी शेयर कर दूंगी आई विल डू इट टुमारो इन वन और टू डेज बट सिर्फ चार्ट बुक शेयर करने से अगर कोई सीए बनता तो आज हर कोई बच्चा सीए बन जाता ये नहीं ऐसा नहीं होता आपको मेहनत करनी पड़ती है इट इज़ टाइम फॉर यू टू डू समथिंग एंड वर्क ओके सो हर डिडेंड डीम डिविडेंड टू ट्वेंटी टू ए बी सी डी ई डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफकोर्स अगर कंपनी में प्रॉफ़िट है तो ही डिविडेंट वॉट इज डिविडेंट आखिर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्रॉफिट तो अगर मुझे मेरी कंपनी ने पता ये ए बी सी डी में क्या है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग असेट्स दिए डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ असेट्स या डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एनीथिंग एल्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन के टाइम या दिस इज़ ऑल्सो गिविंग ऑफ प्रेफरेंस यू नो दिस इज़ ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल जैसे इंटरनल आपने कैपिटल रिकन्स्ट्रक्शन किया होगा अकाउंट्स में Uh, किया है क्या अप कैपिटल रिड्यूस होता है या वो ग्रुप टू में होगा शायद हाँ तो फिर ये जो होता है ना ये सारी चीज़ें क्या होती है अगर कंपनी का प्रॉफिट अक्यूमलेटेड प्रॉफिट है तो ही वो डिविडेंड माना जाता है ओके okay? ना इसके ऊपर जैसे एक क्वेश्चन है तो पहले पहले तो आपको समझना है डिविडेंट इज़ नॉर्मल मीनिंग जो डिविडेंट होता है वो आईओ में जाएगा दूसरा डिविडेंड कैन ऑल्सो इंक्लूड डीम डिविडेंड दिस इज टू ट्वेंटी टू ए बी सी डी ई ई वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी जब लोन देती है शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स के लिए वो लोन बन जाता है सी और शेयर होल्डर इज नॉट अलाउड टू टेक आउट मनी फ्रॉम द कंपनी कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती है क्योंकि मेरा टेन परसेंट बारह परसेंट होल्ड है मेरे मन में आएगा मैं कभी भी पैसे ले लूंगा ऐसा नहीं चलेगा सो वेन यू टेक अ लोन फ्रॉम दैट इट इज गोन्ट टू बी ट्रीटेड एज इनकम इज दैट क्लियर येस सो दिस इज़ अबाउट डिविडेंड सो ये डीम डिविडेंड में आपको पता है डिविडेंड से रिलेटेड एक खास बात है डिविडेंड से रिलेटेड पहले तो आपको पता है सेक्शन जो आईओएस के होते हैं ना बेटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम फिफ्टी सिक्स फिफ्टी नाइन तो होता है, जो पहला section होता है किसी भी एक्ट का वो होता है तो एक देता है, कि देखो ना ये फलाना फलाना इनकम है ना ये आईओ एस में आने वाला है ऐसा 56 की लिस्ट है अब देखो आपको मैं क्या बता रही हूँ 57 एक सेक्शन है जो बोलता है कि फॉलोइंग खर्चे अलाउ नहीं होते तो यहाँ आपको डिविडेंड में क्या बात याद रखनी है इस डिविडेंड में आपको याद रखनी है नो no एक्सपेंसिसबल नो एक्सपेंसिज अलावेबल अफकोर्स श्रिष्टी थैंक यू बेटा बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट बात उसने बोला मैम ये लोन वाला इज एप्लीकेबल ओनली टू अ क्लोजली हेल्थ कंपनी एब्सल्यूटली दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू अ क्लोजली हेल्थ कंपनी एंड टू ट्वेंटी टू ई वाला प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ क्लोजली हेल्थ कंपनी अब देखो अगर मेरे साथ पढ़ना है तो कुछ ना कुछ मैं वैल्यू एडिशन करके दूंगी त्रिशूल बैच में मैं ऐसे ही नहीं आपको पढ़ाऊंगी तो फर्स्ट कि नो एक्सपेंसेस आर अलावेबल एक ही खर्चा अलावेबल है कौन सा ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अलावेबल डू यू सी द वे आई एम राइटिंग द नोट्स मेरा हेडिंग heading... रेड कलर में है फिर नीचे सब पॉइंट्स है आपकी भी नोट्स बहुत अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए कि जहां से आपको फिर मन करे कि आप वहां से पढ़ो ना ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अलावेबल। वो भी जितनी मर्जी उतना अलावेबल होगा नहीं मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट ऑफ डिविडेंट मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट ऑफ डिविडेंट मुझे एक सेकेंड जस्ट रामबान की कॉपी दिखाना मैं लाई नहीं, नहीं एक बार जस्ट ग्लांस कर मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट तक लिखते क्या तुम लोग फिर नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अगर डिविडेंड से रिलेटेड कोई मुझे एक पॉइंट बता दे अगर एक क्लास होती तो मैं आपको तब तो एक चॉकलेट या कैडबरी दे देती सो so, एक पॉइंट डिविडेंड से रिलेटेड जो आप बता सकते हो uh, जो भी मैंने टैक्स पढ़ाया उसमें एक पॉइंट ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट है डिविडेंड से लेके नहीं तो मैं हुई बताने के लिए आईओ के चैप्टर में नहीं मिलेगा ढूंढना है तो वो आईओएस के चैप्टर में नहीं मिलेगा ये ले थैंक यू हिंट दे दू आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग कोई बता रहा है क्या देखो मेरे साथ अगर पढ़ना है तो कुछ तो वैल्यू एडिशन करूंगी मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं एक कॉन्सेप्ट को दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन मैपिंग एंड बेटा आई यूज दिस कॉन्सेप्ट इन जीएसटी जीएसटी तो पढ़ना मेरे साथ फिर देखना क्या मजा आएगा आपको तो यस वेरी गुड नया दोषी शाबाश आई एम सुपर डुपर हैप्पी सर चार्ज सर चार्ज मैम जो डिविडेंड पे होता है इंडिविजुअल्स के लिए नॉर्मल रेट होते हैं टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन सर चार्ज मैक्सिमम लगेगा परसेंट बेटा आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो बोल के नहीं आएगा ये सरचार्ज वाला पॉइंट याद रखना वेरी uh, गुड नयनी दोषी आई एम सुपर सुपर हैप्पी योर आंसर कि डिविडेंट अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जनरली वॉट इज द सरचार्ज के रेट्स जनरली जनरली सरचार्ज के रेट्स होते हैं लिखो टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन और फॉर डिविडेंड एंड सम कैपिटल गेन्स जब कैपिटल गेन्स करूँगी तब बता दूंगी सरचार्ज का रेट विल बी टेन एंड मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट एंड हियर इज दिस इज द स्टार परफॉर्मर ये क्या है आपका स्टार परफॉर्मर है देखा तो डिविडेंड करो तो उससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट जिस जिस चैप्टर में पूरा अच्छे से करो वेरी गुड बेटा वेरी गुड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ ही जाएगा तो कुछ करेंगे ही या मेरे स्टूडेंट्स जो है आपके साथ मैंने ऑलरेडी एक क्लास लेक्चर के टाइम क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप करोगे तो मैनेजेबल हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन किया है मैंने हाँ आप तो 115 भी कवर हो गया उसमें बिल्कुल ये एक अमेंडमेंट है ये फिर से मैं कैपिटल गेंस के टाइम फिर से करा दूंगी आपको कर लिया नोट आपने yeah. तो आई थिंक देखो डिविडेंड से रिलेटेड सारा एंगल से सोच के हो गया माने एग्जाम में अगर डिविडेंड आता है तो ट्रिंग ट्रिंग वार्निंग बेल होना चाहिए एग्जाम में ट्रिंग ट्रिंग आपको स्ट्राइक होना चाहिए बॉस कुछ तो अलग है यहाँ पे ठीक है तो ये हो गया आपका डिविडेंड से रिलेटेड प्लीज़ यस एंड इवन इफ येस दिस कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी कवर्ड वॉट यूर सींग रितिका बट ये ऑलरेडी कवर हो चुका है वेदर शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और शेयर्स uh, क्या बोलते हैं अपन और इन्वेस्टमेंट इसका जो डिविडेंट होता है या दिस विल बी टैक्सेबल अंडर आईओएस एस यस सो आई थिंक ये पूरा डिविडेंड का पार्ट अभी कंप्लीट हो गया तो ये हो गया डिविडेंड आप अगर ऐसे चार्ट या उसको लैंडस्केप बुक में भी लिख रहे तो भी हो जाता है हाँ यश yes, बिल्कुल सही टू ट्वेंटी टू ई वाला जो होता है ना जो यश बोल रहा है अगर किसी कंपनी का काम ही लोन देना है लाइक आई हैव अ शेयर्स ऑफ आई सी आई सी आई बैंक मैंने वहां से लोन लिया तो मेरे लिए डिविडेंड नहीं अप्लाई होगा सो टू ट्वेंटी टू ई वाला जो कंडीशन है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अ पब्लिक लिमिटेड एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सम्बडी इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सम्बडी हु इज हाँ इन टू द बिजनेस ऑफ गिविंग लोन्स ओके सो टू ट्वेंटी टू किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्लोजली हेल्थ कंपनी को अप्लाई होगा और अगर आपका ऑलरेडी काम ही है लोन देना किसी कंपनी का काम बैंक का काम आईसी बैंक की अगर मेरे पास शेयर्स है तो क्या मैं ऐसी बैंक से लोन नहीं ले सकती ऐसा नहीं है मैं ले सकती हूँ लोन ठीक है हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो वो किस टाइप के आते हैं मैम डिविडेंड पर इसका जो एग्ज़ैम्पल होता है डिविडेंड के जो क्वेश्चंस आएंगे इसका एग्जाम्पल एक बता देती हूँ एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है लिमिटेड uh, का एक शेयर uh, जो शेयर होल्डर है उसको लोन दे दिया uh, लोन गिवन लोन गिवन ऑफ रुपीज़ फोर लैक्स लेकिन कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज़ थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड सरचार्ज वाला समझ में नहीं आया आदित्य रुक जाना जब टैक्सेशन के बात करूंगी तब सिखाऊंगी डिविडेंड uh, पे ऐसा रूल है कि सरचार्ज के हायर रेट्स ऑफ ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी सेवन परसेंट नॉट अप्लाई आई विल डू दैट इन टैक्सेशन पार्ट ओके आई विल कवर इट अप सेपरेटली डोंट वरी आदित्य तो बेटा आंसर क्या होगा यहाँ पे डीम डिविडेंड कितना होगा बेटा यहाँ पे डीम डिविडेंड कितना होगा थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड या वाई डीम डिविडेंट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ये देखो ये लिखा ना डिविडेंट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये लिखा ना डिविडेंट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसलिए भले ही आपने लोन चार लाख का उसको दिया हो पूरा चार लाख उसका इनकम नहीं माना जाएगा उसका इनकम होगा साढ़े तीन लाख दैट इज द अमाउंट ऑफ डीम्ड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जेपा आर यू ऑल गेटिंग इट वेरी गुड सो डिविडेंड हो गया या एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग चलता है इट्स अ रेसिडरी हेड ऑफ इनकम कुछ इनकम कंपल्सरी आई एस में आएंगे पहला डिविडेंड है एक्स वाई एड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड रही कौन अफकोर्स प्राइवेट लिमिटेड अफकोर्स सिमरन प्राइवेट लिमिटेड

क्योंकि कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट साढ़े तीन लाख है हाँ यस yes. साढ़े तीन लाख ऐसे आया क्योंकि डिविडेंड इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट परफेक्ट सो यू ऑल हैव टू गिव मी अ थम्स अप कम ऑन क्विक हैडी या नेक्स्ट इनकम दैट आई टॉक अबाउट ई सेकंड इनकम जो मैं बात करूंगी वो किसकी हो रही है अभी कैजुअल yeah. इनकम की कैजुअल इनकम की माय गॉड बहुत सारी यहां पे एक्सीडेंट स्पॉट होता है कैजुअल इनकम का बहुत सारा एक्सीडेंट स्पॉट है जो मैं आपको बताऊंगी आपको लगता होगा क्या मैम आप आईओ जैसा टॉपिक करा रहे हो बेटा लेकिन जो आईओ जैसा टॉपिक है ये आपको मार्क्स लेके आता है क्योंकि ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट यहाँ वहाँ आती है एंड इनफैक्ट आपको स्कोर करने के लिए ये सबसे बड़ी टॉपिक है एंड दैट इज आई का टॉपिक का टॉपिक लेट्स गो अहेड बाबा आई में कैजुअल इनकम में आते सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आप सेक्शन पढ़ते हो तो यहाँ जो शब्द यूज किए वो है विनिंग्स विनिंग्स कंसिडर करते हैं मतलब ग्रॉस विनिंग्स ओके आई विल कवर दैट ऑफ कोर्स नाउ यहाँ ये आपकी हेडिंग हो गई इसके नीचे अभी मैं पॉइंट्स लिखूंगी कैजुअल इनकम में आएगा आप ले सकते हो लॉटरी गैमलिंग गेम शो गेम शोज हॉर्स रेसिस का विनिंग्स हाँ हॉर्स रेसिस में जो भी आपकी विनिंग्स हो रही है वो कंसिडर होगा कैजुअल इनकम गैमलिंग बेटिंग गेम शोज एक्सेट्रा इसके परफॉर्मर क्या है लॉसेज आर इग्नोर प्लीज इस पॉइंट को आप दो तीन चार पांच स्टार मार्क दे दीजिए लॉसेज आर इग्नोर पर्पजली यू नो वर्ट सेट ऑफ के चैप्टर में या कहीं तो नेगेटिव आपको देंगे लॉसेज आर इग्नोर पता है आपको बोलेंगे विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस मतलब आप है ना रेस कोर्स पे गए और हॉर्स पे बैटिंग किया बेटा एक्चुअली होता है ये अब चलो टर्फ क्लब पुणे आ जाओ या मुंबई में आ, महालक्ष्मी रेस कोर्स जो होता है और यहाँ पे टर्फ कर, आ, टर्फ क्लब जो है यहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल आ, रेसिंग होता है सो so, हॉर्स रेसिंग से अगर आप जीते दो लाख और अगर आपको लॉस हुआ फिर आपको एक दिन प्रॉफिट हुआ, हुआ फिर आप ग्रीडी बन गए आप सोचते हैं बेस्ट है यार ये सीए के क्लासेस नहीं करेंगे कहाँ पढ़ाई करेंगे अगले दिन आप जाते हो और सोचते हो चलो क्लास <सथाँगा>। मिस करके चले जाते हो और फिर आप सोचते हो चलो किसी हॉर्स पे जाके बैटिंग करें, अब क्या होता है यू मेक अ लॉस लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसिंग हो गया आपका तीन लाख का ओ माई गॉड अब अब क्या अब क्या करोगे अब मेरा आईओ कितना आएगा <laughs> मेरा आईओ कितना आएगा मैम ये इग्नोर करते हैं लॉस एग्जैक्टली इसको इग्नोर करने का एंड योर आईओ एस विल बी टू लैक्स और इतना ही नहीं मैं तो एक स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट है मेरे को कोई इनकम नहीं है तो तुम बोलते जाने दो मैंने क्लास अटेंड किया है मुझे पता है बेसिक एग्जाम लिमिट में ढाई लाख तक टैक्स नहीं देना है ओहो क्लास अटेंड किया या बीच में सो गए थे कहीं हाँ तो पहले तो आयोज आएगा दो लाख ओके okay? yes. दो लाख आने के बाद क्या दो लाख आने के बाद क्या मैम इसमें से नो बी ई एल यूर अ स्टूडेंट यू हैव नो अदर इनकम तो बेटा तुमको इस पे डिर टैक्स देना पड़ेगा एट थर्टी परसेंट विच इज सिक्सटी थाउजेंड करेक्ट ना या दिस इज हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी बी सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन सेस कैजल इनकम पर टैक्स लगेगा 30 परसेंट वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सीडेंट स्पॉट होता है कि बच्चा इस लॉस को पता है जानबूझ के क्या देंगे लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसिंग है ना कभी कभी तो बोलेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर इसको तो बोल देंगे कि ब्रॉड फॉरवर्ड भी अरे ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो इस साल का लॉस हो इसको इग्नोर करने का मतलब इग्नोर करने का यस इट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड इज दैट ओके टैक्स एट थर्टी परसेंट या एंड नो बी एल तो तुम बोलोगे मैम मैम टैक्स नहीं देना अब गलती हो गई इनकम तो कमा लिया तो नो बी एल तो आप बोलते हो मैम इन्वेस्ट कर दूँ क्या दो लाख आ गए तो मैं पी में डाल दूँ फिर आप चैप्टर सिक्स से डिडक्शन फिर टैक्स नहीं लगेगा नो चैप्टर सिक्स ए डिडक्शन चैप्टर सिक्स से डिडक्शन नॉट अवेलेबल नो अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ यस खर्चे अलाउ नहीं होंगे मैम आने जाने में खर्चा हो गया कुछ हो गया नो एक्सपेंसिस अलाउड खर्चा अलाउ नहीं होगा लॉस नो अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ लिखना था मुझे एक सेकेंड ना नो बी एल नो चैप्टर सिक्स है अच्छा इवन ये टर्म अभी आपको पता है नो अन एक्सॉस्टेड बी एल का भी बेनिफिट नहीं है यहाँ पे हाँ यहाँ कुछ नहीं वो है वो जो अनएगजॉस्टेड बी एल का कॉन्सेप्ट है वो कैपिटल गेंस में सिखाऊंगी और वो सिर्फ कैपिटल गेंस में यहाँ नहीं मिलेगा तो चैप्टर सिक्स से नहीं लेना है कुछ नहीं लेना है अफकोर्स टैक्स आगे कंटिन्यू होगा सरचार्ज आपके केस में नहीं आएगा बिकॉज uh, आपका इनकम सिर्फ उतना ही है अफकोर्स फिर यहाँ पे फोर परसेंट सेस लग जाएगा नहीं तो बच्चे क्वेरी पूछेंगे मैम आपने सेस नहीं लिया सरचार्ज नहीं लिया नहीं रे बाबा होता है तो सिक्सटी दो हज़ार चार सौ आएगा क्या फोर परसेंट विल भी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ना कैलकुलेट ना सिक्सटी टू फोर हंड्रेड आएगा ना या नो अन एग्जॉस्टेड बी एल राइट सिमरन ओ व्हाट इज बी एल बी एल इज बेसिक एग्जामेशन लिमिट बेसिक नहीं क्या होता है हर टीचर के एक एक टर्म्स होते हैं ना हर एक जन ये शायद नहीं यूज करता होगा सो नो बेसिक एग्जामेशन लिमिट कोई बात नहीं है चलो कैजुअल इनकम तो एक्सीडेंट स्पॉट ये है कि ये कैजुअल इनकम एक आपको सेट ऑफ़ के चैप्टर में याद रखना है कि कोई लॉसेज नहीं सेट ऑफ होंगे इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट एचपी का भी लॉस है मैम कुछ एचपी का लॉस है विनिंग्स के अगेंस्ट ऑफसेट करूं नहीं इस खुद का कुछ खुद का लॉस है वो नहीं सेट ऑफ होगा एक्सपेंसेस नहीं होगा आपको फिर दूसरा याद रखना है यहाँ पे ये स्पेशल रेट भी है जब टैक्सीबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो इसको थर्टी वाला है दिस इज अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड उस प्रॉपर्टीज डिडक्टेड फ्रॉम आईओ एस शुभ अभी तो सेट ऑफ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बट लॉस ऑफ रेंट ऑफ एच पी का जो लॉस होता है एच पी लॉस अगर ड्यूरिंग द इयर का होगा तो आई ओ एस की अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है बट कैजल इनकम के अगेंस्ट नहीं नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम नो अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ नो लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम पे सरचार्ज मैक्सिमम थर्टी सेवन हो सकता है यस सरचार्ज के रेट नॉर्मल है कोई यहाँ पे चेंज नहीं है सिर्फ डिविडेंड में कुछ सरचार्ज के बारे में कुछ खास है नोट करके रखा है दिमाग में मैम आगे कहीं ये प्रॉब्लम करवा देंगी ठीक है यस सो so, ये कौन सा हो गया कैजुअल uh, इनकम हो गया तो ये सेकेंड वाला हो गया पहला कौन सा हो गया था अपना डिविडेंड सो डिविडेंड हो गया अब कैजुअल इनकम हो गया करेक्ट है अब थर्ड ए रिबेट मिलता है रे रिबेट इज़ अवेलेबल रिबेट इज अवेलेबल माने चलो एम सी की क्वेश्चन लॉटरी विनिंग फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड टैक्स निकालो टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा क्वेश्चन मार्क रेसिडेंट इंडिविजुअल है आर माने रेसिडेंट आई एंड डी माने इंडिविजुअल Pinjal, I will come to that. I will come to that question. Don't worry. I am coming to that. बेटी अवेलेबल ये लिखा ना बेटा आशुतोष लिखा मैंने आज पहले के दस मिनट में आपको शेड्यूल बताया त्रिशुल बैच का प्लीज वॉच इट त्रिशूल बैच इज नॉट लाइक अ नॉर्मल फास्ट ट्रैक बैच अभी ये टाइम चला गया कि आप फास्ट ट्रैक में ना एक एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करो मैम पी जी बी पी के क्वेश्चन कराओ रेसिड इट इज नॉट द टाइम टू डू दैट इट इज टाइम टू हैव अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व ओवर क्वेश्चन ठीक है चलो टैक्स लाइब्रेरी बोलोगे हर्षिता नील इज नॉट द आंसर आंसर नील नहीं है टैक्स इज थर्टी परसेंट एक लाख बीस प्लस पंद्रह वन थर्टी फाइव ना वन थर्टी फाइव आएगा थर्टी परसेंट हाँ गुरां गुरां उसके ऊपर एड नहीं अब रिबेट आएगा हाँ पहले रिबेट आएगा बिकॉज इनकम इज अप टू फाइव लैक्स सो लेस रिबेट रिबेट मिलता है रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन देखो इस टाइप के एमसीक्यू सी क्वेश्चन आते हैं और आप बोलते हो मैं क्या पता नहीं आई ने क्या कर दिया नहीं तुम आंसर सही तरीके से दो समझा क्या तो रिबेट कितना मिलेगा टैक्स और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर तो बेटा मुझे कितना मिलेगा या सो आईल गेट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो टैक्स कितना आएगा वन ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड इसके ऊपर ऐड होगा सेस आई tell टेल यू वन थिंग जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको आदत डाली है कि आप ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखो जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना आप में प्रोफेशनलिज्म आता है ऑब्जर्व थिंग्स अच्छा मैम ने इधर रिबेट लिया इसलिए लिया क्योंकि मिलता है ये सीखो प्रैक्टिकली टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली सिखाने में मज़ा आता है ज़्यादा और आपको याद भी ज़्यादा रहता है हेल्थ एच कितना होगा बेटा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड सो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी वन ट्वेंटी समझा सो ये है रिबेट पता है सिर्फ रिबेट अंडर एटी सेवन ए कहाँ नहीं मिलता है एटी सेवन ए का रिबेट सिर्फ 7, एक जगह नहीं मिलता है इट्स अ टैक्स ऑन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए ये कैपिटल गेंस में होगा यहाँ पे आपको रिबेट 87 ए का नहीं मिलता एक ही पूरे इसमें एक ही जगह है जहाँ रिबेट नहीं मिलता 87 ए एंड दैट इज़ ओनली टैक्स ऑफ लॉन्ग टर्म गेम जो 112 एंड ट्वेल्व है वो स्टॉक मार्केट वाला होता है ना जिसपे एस टी टी पेड है तो घबराना नहीं मैं कैपिटल गेंस का रिकैप कराऊंगी तब वहाँ पे ये कवर हो जाएगा कोई भी बात यहाँ घबराना नहीं है आप अगर गलतियाँ कर रहे हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप ये गलतियाँ एग्जाम में नहीं करोगे हाँ चलो आगे जाएंगे कैजुअल इनकम के बारे में और एक एक्सीडेंट स्पॉट एक एक्सीडेंट स्पॉट और एक दो इनकम है एक है विनिंग्स फ्रॉम रेस विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस और दूसरा है लॉस फ्रॉम या एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर आप त्रिशूल अटेंड कर रहे हो तो यहाँ वैल्यू एडिशन मिलेगी आपको यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ सोचने को लगाऊंगी मैं ऐसे ही नहीं कराऊंगी आपको या सो लेट्स गेट फ्यू थिंग्स क्लियर व्हाट इज इट दिस इज टैक्सेबल अंडर आईओएस दिस इज़ आल्सो टैक्सेबल अंडर आईओएस दिस इज़ ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम नो no, बट इसका रूल है इट इज़ टैक्सेबल अंडर एज आई ओ एस इसका रूल है भले इफ यू डू इट एज रेगुलर एक्टिविटी वी ऑलवेज टैक्स दिस एक्टिविटी ऑल्सो अंडर आई ओ एस बट दिस इज़ नॉट कैजअल इनकम तो मैम क्या फ़र्क पड़ता है वो कैजुअल इनकम है या कैजुअल इनकम नहीं है बहुत फर्क पड़ता है यहाँ अगर वो कैजअल इनकम है तो वो बन जाता है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी बी यहाँ पर टैक्स लगता है थर्टी परसेंट और ये है नॉर्मल रेट्स अब डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि तुम रेस कोर्स में गए सेट ऑफ के चैप्टर में भी फर्क है और पहले एक्टिविटी में फर्क क्या है. So okay? so है बेटा ये क्या है ये बेटिंग वाला काम है झेपता है क्या तुमको ये क्या है ये बेटिंग वाला काम है और ये वाला जो इनकम है एक्टिविटी दिस इज लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी इट इज लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी तो मैम क्योंकि आप बोल रहे हो ये बिजनेस एक्टिविटी है तो मेरा बहुत मन कर रहा है इसको पीजीबीपी में ले आंसर नहीं है इसको हमेशा आईओएस में लेना है आपका भले ही मन करे इसको पीजीबीपी में लेने का बेटा फाइनली हम यहाँ हमारे मन के लिए नहीं है हम यहाँ एक्ट पढ़ रहे हैं और जो एक्ट बोलता है वही अपने को करना पड़ेगा तो एक इसके टैक्सीबिलिटी में फ़र्क है और इसके सेट ऑफ ऑफ लॉसेज में फ़र्क है तो ये जब इनकम आता है तो बच्चों को लगता है बस हॉर्स और रेस हॉर्स और रेस दिमाग में आ गए तो उनको लगता है थर्टी कैजुअल इनकम नहीं है ऐसा आप प्रोफेशनल हो यार ऐसे नहीं ये बनता है आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है दूसरा इसके चैप्टर ऑफ सेट ऑफ देखो मैं सेट ऑफ की काफी सारी चीजें अगर आप रियलाइज करोगे मैं आपको एक 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 चैप्टर के साथ ही करा रही हूँ तो सेट ऑफ में ये होता है कि ये जो लॉस है एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉसेस इसका जो इनकम है इसका जो लॉस होता है ना इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी ही एक्टिविटी का इनकम होना चाहिए सच एक्टिविटी का और ये जो लॉस होता है ना इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ फोर इयर्स क्या मैम आप आईओ कराने वाले थे फिर आप बीच में कहीं और बेटा पेपर ऐसा ही आता है हाँ इट्स गॉन अगर आपको मे ट्वेंटी थ्री क्लियर करना है दिस इज नॉट द टाइम टू डू चैप्टरवाइज प्रॉब्लम नाउ यू हैव टू स्टडी एंड स्टार्ट सॉल्विंग एक एक बार ऑफकोर्स आपने चैप्टरवाइज के क्वेश्चन आपने रिविजन करना चाहिए मेरे साथ करना है तो कुछ वैल्यू uh, एडिशन होना चाहिए कि नहीं? नोटेड <coughs> तो ये कौन सा हो गया अपना कैजुअल इनकम तो ये क्या चल रहा है अपना कैजुअल इनकम अब कैजुअल इनकम के बाद क्या होगा यस yes, अब इंटरेस्ट ऑन इधर लिखते हो ऐसे करते हो ये तीसरा है ना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में कोई ज़्यादा नहीं है दिस इज़ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ बेटा ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट हो आपके इंटरेस्ट ऑन एफ हो सकता है अगर लेकिन एफ का इंटरेस्ट है तो प्लीज़ भूलना मत एडजस्टमेंट नंबर ए टी 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 ए और टी टी बी आता है फॉर सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए मैम ये क्या है बताने की भी ज़रूरत नहीं है सिर्फ रेसिडेंट ही सीनियर होता है एनआर में सीनियर नॉन सीनियर का कॉन्सेप्ट ही आ, नहीं आ, है आ, जब मैं सीनियर बोलूंगी मतलब मैं आ, बोल रे, 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 मैं रेसिडेंट की बात कर रही हूँ हाँ सो ए टी आएगा मैम इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बेटा वो भी इधर ही टैक्स होगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स भी टैक्स होगा अब इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स दोगे तो ए टी ए आता है ए टी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स माने वो आर हो एन आर हो कोई भी हो बट इंडिविजुअल को मिलेगा यहाँ एच एफ का फंडा नहीं है ठीक है यस अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट ऑन एफ डी इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स ये सारा जो इंटरेस्ट होता है यहाँ आएगा अगर मैंने किसी दोस्त को लोन दिया मुझे आ, मैंने लोन दिया सो इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये भी आईओएस में सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी ऑल दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर आईओएस ठीक है ऑल दिस इज वोट बी टैक्सेबल अंडर आईओ एस हाँ अभी कुछ इंटरेस्ट एग्जाम होते हैं सम इंटरेस्ट विल बी एग्जाम यहाँ पे होता है सेक्शन टेन फिफ्टीन पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है बिल्कुल मेरे साथ लिखते जाना बेटा लेक्चर सुनते सुनते नहीं मन लगता है आपको लिखना ही पड़ेगा ठीक है तो पोस्ट ऑफिस मैं भी लिख रही हूँ आपके साथ मुझे तो बहुत इजी है चार्ट बुक खोल दो रामबाण खोल के मैं पढ़ती बताओ पढ़ते बताओ तो ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं भी आपके साथ एक एक चीज़ लिख रही हूँ आप भी उसको फील करके लिखिएगा सो so, पोस्ट ऑफिस का अगर इंटरेस्ट होता है तो इसकी दो एडजस्टमेंट्स होती है मैम इट इज़ एग्जम्ट अप टू या अप टू थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एनम और इसको ए टी 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 ए भी मिलेगा वेरी गुड और दूसरा इंटरेस्ट कौन सा एग्जाम होता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स हां अफकोर्स ये अगर सात हजार होगा अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है ज्वाइंट अकाउंट तो जैसे ही आज मेरा आयोज खत्म हो जाता है आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आपने इंडिविजुअल चैप्टर वाइज क्वेश्चन उसके कर लेने तो एक आधा हाँ दिन अगर मेरा लेक्चर नहीं होता है छुट्टी होती है उसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टी लोगे टैक्स की पढ़ाई से पेपर मुझे नहीं लिखना है पेपर आपको ही लिखना है तो आपको पीजीबीपी के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं इंडिविजुअली कंबाइंड जो पेपर वाले होते हैं एमटीपी आरटीपी वाले मैं कराऊंगी तो आपको अभी क्या करना है आपको पीजीबीपी आईओएस जो जो चैप्टर्स की थ्योरी आपकी हो रही है कॉन्सेप्चुअल में ले रही हूँ विद एग्जाम्पल प्लीज आप उसको कंप्लीट करके रखिएगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स यूटीआई बॉन्ड्स मरियम इज टैक्सेबल नाउ इंटरेस्ट ऑन यूटीआई बॉन्ड्स इज टैक्सेबल एग्जाम्ट नहीं है इंटरेस्ट ऑन यूटीआई बॉन्ड्स इज टैक्सेबल और कौन सा इंटरेस्ट एग्जाम होता है गोल्ड मॉनिटाइजेशन बॉन्ड्स इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मोनिटाइजेशन बॉन्ड्स हाँ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जाम ऑफकोर्स नहीं पीपीएफ जनरल पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम होता है तो वो तो देने की लिमिट है लेकिन एक बार मिला तो एग्जाम वेरी गुड रितिका टेन फोर मैम इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट जो या टेन वेरी गुड टेन फोर्टीन एक सेक्शन है टेन फोर सॉरी टेन फोर एक सेक्शन है जो बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनआरई जो एक्सटर्नल अकाउंट होता है ना एनआर के उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है अभी एनआर है ना एनआर नॉन रेसिडेंट दो प्रकार के अकाउंट्स इंडिया में खोल सकता है एक एक्सटर्नल ये जो अकाउंट होता है इसमें ना सारे पैसे फॉरेन करेंसी में होते हैं इसलिए इसको एक्सटर्नल अर्निंग्स बोलते हैं अच्छा अगर इफ टीडीएस इज डिडक्टेड टैक्स ग्रॉस अमाउंट ये कॉमन है मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए ऐसा नहीं है तो सबके लिए कॉमन है टी डी इज डिडक्टेड देन टैक्स देन इनकम क्या होगा इनकम विल बी ग्रॉस अमाउंट इनकम होगा ग्रॉस अमाउंट इनकम होगा ग्रॉस अमाउंट करेक्ट हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस कट नहीं होता बाकी सब पे जनरली डिविडेंड इंटरेस्ट पे टेन टीडीएस कट होता है लॉटरीज वाले पे थर्टी परसेंट कट होता है कैजुअल इनकम थर्टी परसेंट करते ही कट हाँ थर्टी परसेंट कट करते नहीं नहीं वो माइनस करते हैं अमाउंट क्रेडिट हो गए कितना क्रेडिट हो गया थोड़ी बताते चेक तो पूरे का केबीसी में बट आता नहीं है हाँ। गूगल पे, 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 पे करेंगे लेकिन कितना अमाउंट जमा किया वो नहीं पता है ना थर्टी परसेंट कट होके आता है वो आपको बोलेंगे अमिताभ बच्चन क्या बोलेंगे हाँ ये लीजिए आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए कितने हो गए हमें नहीं पता ना अफकोर्स गूगल पे ने उनको स्पॉन्सर किया वो ठीक है बट नेट अमाउंट जमा होता है ओके टेन फोर नहीं समझा अनिल एन आर जो होते हैं ना दो प्रकार के अकाउंट्स खोल सकते हैं एन आर कैन हैव टू काइंड ऑफ एन के सेविंग्स अकाउंट होते हैं ना बेटा दो प्रकार होते के होते हैं एन के सेविंग अकाउंट दो प्रकार के होते हैं एन एंड एन आर ओ ओ इज़ ऑर्डनरी मतलब रुपीज़ वाला अकाउंट एंड एन आर ई होता है जो एक्सटर्नल अर्निंग्स मतलब आई एम लिविंग इन दुबई सो आई कैंड सेंड रुपीज़ ओ ईयर मैंने दुबई में जो पैसे कमाए वो धीरम में कमाए तो मैं वहां भेजते वक्त धीरम ही भेजूंगी ओके okay? तो उसको बोलते हैं एनआरई अकाउंट हाँ तो एनआरई अकाउंट जो होता है ये जनरली फॉरेन करेंसी में मेनटेन होता है इस पर जो भी इंटरेस्ट आता है वो एग्जम्ट होता है वेरी गुड पलक इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर आई जो इनकम टैक्स का रिफंड आएगा वो इनकम नहीं है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तो खर्चा नहीं है इनकम टैक्स का रिफंड इज नॉट अ इनकम बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज अ इनकम टैक्सेबल अंडर आईओएस बिल्कुल सही कम मिलता है कम मिलता है इंटरेस्ट ऑफ़ कोर्स दे रिड्यूस्ड इट बट इंटरेस्ट ऑन एग्जाम में आएगा लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज आईओएस। अच्छा तो एनआरई का जो इंटरेस्ट एनआरई पे होता है वो एग्जाम होता है एनआरओ पे जो मिलेगा वो टैक्सेबल होता है अब इनकम टैक्स रिफंड या इनकम नहीं है चलो आगे बढ़ेंगे अभी तीन इनकम हो गए पहला है डिविडेंट दूसरा है कैजुअल इनकम तीसरा है इंटरेस्ट अब दो तीन चीजें बहुत सिंपल सिंपल सी है फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन हाँ अब सुनना क्या होता है देखो अगर मैंने ना कोई प्रॉपर्टी है देखो प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्विजिशन हो गई मेरी प्रॉपर्टी का क्या हो गया कंपलसरी एक्विजिशन हाँ एंड यहाँ ना दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं तो अमेंडमेंट्स के लिए भी जुड़े रहिए एंड में मैं आपको अमेंडमेंट्स भी कवर करने वाली हूँ सो so, प्रॉपर्टी अगर कंपलसरी एक्वायर करते तो इट कम्स अंडर कैपिटल गेंस तो जो कॉम्पनसेशन होता है ना बेटा कॉम्पनसेशन का इम्पैक्ट कैपिटल गेंस में जाएगा गवर्नमेंट जब मेरी प्रॉपर्टी कंपलसरी रक्वायर करता है इट इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड एज कंपलसरी एक्विजिशन इज अ ट्रांसफर और इस इसमें कैपिटल गेंस लगेगा सो so, ये कॉम्पनसेशन का इम्पैक्ट कौन से चैप्टर में जाएगा कैपिटल गेंस में बट अगर गवर्नमेंट ने मुझे पैसे देर से दिए ये कॉम्पनसेशन जो है मुझे डीले होके मिला कॉम्पनसेशन जो है मुझे टाइम पे नहीं मिला तो ये जो कॉम्पनसेशन है इस कॉम्पनसेशन पे गवर्नमेंट मुझे देगी इंटरेस्ट या कभी कभी ना गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन बढ़ा के देती है उसको बोलते हैं एनहांस्ड उसको बोलते हैं एनहांस्ड सो इंटरेस्ट ऑन कॉम्पन्सेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है ना इस कॉम्पनसेशन पे दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर आई ओ एस और इसके स्टार परफॉर्मर दो है एंड आई सी एल लवस दिस एडजस्टमेंट बिलीव मी आई ओ एस आपको लगेगा मैम ये क्या चैप्टर है बिलीव मी ये चैप्टर आपको पास या एग्जामिशन लेके आने में बहुत हेल्प करेगा सो so, ये जो इंटरेस्ट होता है इट इज़ टैक्सेबल अंडर आई ओ एस तो पहले तो ये टैक्सेबल अंडर आईओएस होगा दूसरी बात इट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो आप भले कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो ये जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर आईओएस। तो पहला तो ये इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा ऑन आईओएस? एंड देर इज अ फिक्सड एक्सपेंडिचर फिक्सड एक्सपेंडिचर दैट इज अ फिक्सड डिडक्शन एंड दिस फिक्सड डिडक्शन इज इक्वल टू थर्टी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड फिक्स्ड एक्सपेंडिचर दैट इज अलाउड सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन दिस कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन कैपिटल गेन्स में जाएगा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आईओ एस में जाएगा इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड इट विल बी यू विल गेट अ फिफ्टी परसेंट डिडक्शन यस तो आई सी आई लव गिविंग दिस क्वेश्चन जान बुझ के पता है आपको क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट मिला पांच लाख पांच लाख में से दो लाख इस फलाना ईयर को बिलोंग करता है एक लाख इस ईयर को बिलोंग करता है वो रॉन्ग नंबर है उससे लेना देना इच नहीं है कहाँ टैक्सेबल होगा ये टैक्सेबल होगा वन इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑलवेज टैक्सेबल अंडर आईओएस फिफ्टी परसेंट फिक्स एक्सपेंडिचर तुमको समझता है जब मैं बोलती हूँ फिफ्टी परसेंट फिक्सड एक्सपेंडिचर फिफ्टी परसेंट फिक्स एक्सपेंडिचर मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर शुड बी इग्नोर तो जब मैं बोलती हूँ ना कभी भी कि फिफ्टी परसेंट फिक्स डिडक्शन है इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर शुड बी इग्नोर सो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसको इग्नोर करना पड़ेगा एब्सल्यूटली आपको उस एक्चुअल एक्सपेंडिचर को करना पड़ेगा इग्नोर करेक्ट वो कम हो या वो ज्यादा हो उसको इग्नोर करना पड़ेगा स कॉम्पन्सेशन का फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा क्या फुल अमाउंट एनहांस का भी जो एडिशनल अमाउंट है वो कैपिटल गेंस में जाएगा पहले वो कैपिटल गेंस का कॉन्सेप्ट है बेटा। What is BOA, is ignored? What is BOA? सिखा दे मैं भी एक हाथ शॉर्ट फॉर्म सीख लूंगी मनीष <laughs>

इंटरेस्ट ओके okay. अब फिफ्थ पार्ट एडवांस फोरफीटेड मज्जा फिफ्थ क्या है एडवांस फो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओ हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओके 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 थैंक यू हाँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स माने एक्चुअल एक्सपेंसेस है इग्नोर करेक्ट तो जो बुक्स में एक्सपेंसेस है वो इग्नोर होते हैं परफेक्ट आई थिंक ठीक है ठीक है चलो अब मुझे समझ में आ गया वॉट इज बी ओ ए माई गॉड ना वट इज यू गाइज यूज सच शॉर्ट फॉर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड चलो एडवांस अच्छा एडवांस फोर फीटेड आप क्या होता है स्टोरी देखो ये प्रॉपर्टी है ओके okay? ये प्रॉपर्टी है आई वॉन्ट टू सेल आई वॉन्ट टू सेल तो मुझे सेल करना था तो मैंने क्या किया किसी से एडवांस ले लिया एडवांस टेकन तो मैंने एडवांस टेकन किया और एडवांस टेकन मैंने ले लिया पचास हजार बेस्ट है हाँ एंड देन फिर डील कैंसिल हो गया आई वॉन्ट टू सेल देखो तुम बेचते तो कैपिटल गेंस में जाता बात वो नहीं है अगर तुम्हारी डील कंप्लीट हो जाती तो तुम कैपिटल गेंस में जाते आईओएस में नहीं आते तुम आईओएस में इसलिए आ रहे हो कि मैं बेच रही हूँ लेकिन डील कैंसिल हो गया अब मैं हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ये जो पचास हजार है ना मैं जब्त कर लूंगी फोरफिट कर लूंगी ये जो फिफ्टी थाउजेंड है इज इनकम अब सवाल ये आता है कि एडवांस फोरफिटेड कौन से ईयर में हुआ है? ये जो एडवांस फोरफिटेड है इफ इट इज टू अप टू कौन सा ए 15 सिक्सटीन नो अप एवाई 15 सिक्सटीन चेक करो इट इज फिफ्टीन सिक्सटीन इट इज 15 सिक्सटीन यस. विथ इफेक्ट फ्रॉम अप टू सी इट इज बिफोर बोलेंगे इफ इट इज बिफोर ए 15 सिक्सटीन इट विल गो अंडर कैपिटल गेन्स एंड फ्रॉम

यस तो फटाफट अभी फटाफट रिकैप करते चलो बताओ पहले अभी तक कौन सा कौन सा इनकम टैक्सेबल हुआ पहला डिविडेंड दूसरा कैजुअल इनकम फिर इंटरेस्ट इंटरेस्ट के सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए फिर इंटरेस्ट की बात करो तो इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन भी मैंने कवर कर लिया फिर मैंने अभी कवर किया एडवांस फोफीटेड अब मैं बात करूंगी फैमिली पेंशन की फिफ्थ पॉइंट हो गया अब सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट में किसकी बात कर रही हूं मैं फ़ैमिली पेंशन की किसकी बात करेंगे बेटा हाँ तो एक मिनट ये आई होप इट इज़ क्लियर तो अगर मैंने आपको बोला कि डील हो रही है एडवांस मैंने फो कर दिया तो ये जो एडवांस फो किया स्ट्रेट अवे बन जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आई सी आई लव्ज एडवांस फोफीट आई सी आई लवस इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन दे लव ऑल द इंटरेस्ट एडजस्टमेंट दैट आई हैव टॉट यू ह्योर नाउ वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट फैमिली पेंशन यू शुड नो ये पेंशन आपको नहीं मिल रही है मतलब एम्प्लॉय को नहीं मिल रही है एम्प्लॉय जो है वो वो उसकी डेथ हो गई है एम्प्लॉय की डेथ के बाद पेंशन किसको मिल रही है फैमिली मेंबर्स को फैमिली मेंबर्स को पेंशन दिया जा रहा है हाँ अब ये जो पेंशन है ना बेटा मैम पेंशन तो सैलरी में आना चाहिए क्या मैम पेंशन तो सैलरी में आना चाहिए नहीं ना देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इसीलिए वो सैलरी में नहीं जाएगा एंड इट विल कम अंडर आईओ एस अब आईओ एस में आते वक्त यहाँ याद रखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन डोंट फर्गेट दैट सो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज वन थर्ड ऑफ टोटल पेंशन वेरी गुड और आप आपके नोट्स भी सामने रख के जो भी चैप्टर्स जो भी फैकल्टी से आपने किया है बिल्कुल डोंट चेंज द नोट्स एट दिस मोमेंट वन थर्ड ऑफ टोटल पेंशन या फिफ्टीन थाउजेंड विच एवर इज लोअर इतना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर आईओ एस बिल्कुल सही सैलरी पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर आईओ एस फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल हियर एब्सोल्युटली राइट पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी सैलरी मिलती है बेटा वो भी कहा लेंगे हम आईओएस के अंदर लेंगे इज दैट ओके यस अब मैं आती हूँ आगे सेवेंथ आपको क्वेश्चन में दिया कि आपको रेंट मिल रहा है किसका रेंट मिल रहा है अब ध्यान से सुनना प्लांट एंड मशीनरी अभी यहाँ पे बहुत फोकस से देखना प्लांट एंड मशीनरी का रेंटल इनकम आ रहा है तो इट गो अंडर आईओएस प्लांट एंड मशीनरी का रेंट जाएगा अंडर आई ओ एस अगर आपको प्लॉट ऑफ लैंड का आ रहा है प्लॉट ऑफ लैंड एच पी नहीं है लैंड इज नॉट अ स्ट्रक्चर दिस विल गो अंडर आईओ एस आपको हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग वगैरह का रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी का तो इट विल गो अंडर एच पी अगर आपको रेंट एच पी प्लस एम्यूनिटीज का आ रहा है अगर ये एक्टिविटी सेपरेबल है क्या है सेपरेबल एक्टिविटी सेपरेबल देन इट इज़ टैक्सेबल अंडर सेपरेट सेपरेट होगा तो हम भी रेंट को सेपरेट करेंगे एचपी का रेंट एचपी में लेंगे इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट बट देखो मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी मैं आपको सारा बता रही हूँ मैंने सिर्फ प्लांट एंड मशीन रेंट पे दिया ऑफ कोर्स आई कैन टेक इट अंडर आईओएस और आई कैन टेक इट अंडर पीजीबीपी अगर रेंटिंग मेरा बिजनेस है तो मैं आईओएस में भी ले सकती हूँ या पीजीबीपी में भी ले सकती हूँ प्लॉट ऑफ लैंड ऑल्सो कैन टेक इट अंडर आई एस और आई कैन टेक इट अंडर पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी में आई हैव टू टेक इट अंडर हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी कुड बी बिल्डिंग ऑफिस गोडाउन एनीथिंग अगर अब मुझे कॉम्पोजिट रेंट मिल रहा है <coughs> कॉम्पोजिट रेंट की एक्टिविटी अलग है मतलब घर प्लस फर्नीचर तो जो अदर एम्यूनिटीज या फर्नीचर है तो दिस विल गो अंडर पीजीबीपी और आईओएस करेक्ट और अगर मैम जैसे कि मेरी एचपी का इनकम आ रहा है मुझे लेकिन जो एचपी है प्लस एम्यूनिटीज़ है बट द लेटिंग आउट इज एक्टिविटी इज़ नॉट सेपरेबल व्हाट इज सेपरेबल एंड नॉट सेपरेबल अभी बताऊंगी देखो अगर मैंने बोला कि मुझे क्लासरूम रेंट पे चाहिए तो आई डोंट जस्ट लुक एट अ बिल्डिंग एंड द पर्सन से नहीं तुम बेंचेस लेके आओ नहीं तुम ए तुम लेके आओ ये ले, ऐसा नहीं होता है या अगर मुझे फैक्ट्री रेंट पे चाहिए तो आई कांट से फैक्ट्री या मुझे थिएटर रेंट पे लेना है तो जब मुझे थिएटर रेंट पे लेना होता है तो थिएटर में क्या क्या आता है थिएटर में आते उसके सिटिंग अरेंजमेंट प्रोजेक्टर स्क्रीन कैंटीन सब आता है सो हर द एक्टिविटी इज नॉट देन द एंटायर रेंट एंटायर रेंट अंडर PGBP और iOS और रेंट में और एक बात है अगर आप एचपी uh, का चैप्टर खोल के देख सकते हो देर अ केस लॉ देर एज अ केस लॉ अगर रेंटिंग आपका बिजनेस एक्टिविटी है जनरली बिल्डर्स अगर बिल्डर मॉल कंस्ट्रक्ट करके उसको रेंट पे दे देता है तो जनरली बिल्डर वो ट्रीटेड एज हीज पीजीबीपी इनकम तो मैंने रेंट से रिलेटेड देखो लगभग आई ट्राइड टू गिव यू ओवरऑल पिक्चर तो अगर केस लॉ है कैन यू गिव मी द रेफरेंस ऑफ दैट केस लॉ आई थिंक रायला कॉरपोरेशन है क्या चेक करो एचपी के चैप्टर में फर्स्ट पेज है एच का जो चैप्टर है हमारा उसका फर्स्ट पेज है रायला कॉरपोरेशन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है फर्स्ट या सेकंड पेज पे आ जाएगा <coughs> बस इधर ही होगा इधर ही होगा उधर उधर ही हो। दो पेजेस में से मैंने कालू क्या रामबाण में से एक आई शो हियर या रायला देखो सुप्रीम कोर्ट इन रायला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड सो इट एज अ केस लॉ रेफरेंस विथ सेज सुप्रीम ऑफकोर्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रूलिंग्स इन इंटर बट हियर इट सेज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन रायला कॉर्पोरेशन इट वेरी क्लियरली सेज अगर मैंने एग्जाम्पल भी क्लास में लिखवा के दिया है एग्जाम्पल इफ अ बिल्डअप कंस्ट्रक्स अ मॉल एंड गिव्स इट ऑन रेंट बेटा तो उसका इंटेंशन ही है कि रेंटल उसको एज अ बिजनेस एक्टिविटी करना है सो इट वुड बी ट्रीटेड एज पी जी बी पी ओके द सुप्रीम कोर्ट केस लॉ रायला कॉरपोरेशन वर्सेज असिस्टेंट सी आई टी सी आई टी मीन्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अच्छा इंटर है तो आपको केस लॉस लर्न नहीं करना है बट फाइनल में जब आप आंसर देते हो तो कभी कभी आपको वहां पर कभी कभी नहीं आपको देना ही पड़ता है केस लॉस के रेफरेंस देने पड़ते हैं फाइनल में लर्न करना पड़ता है बट इंटर में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है सो so, बट जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको एक पिक्चर दे रही हूँ ना सो so ओवरऑल एक पिक्चर आ जाता है आपको समझ में आ गया ओ वेर एम आई राइटिंग ऑल दिस मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको आई ओ एस तो आई ओ एस के रामबाण में होगा हाँ इधर लिखा रही हूं मैं ठीक है सो <coughs> so यहां पे रेफरेंस है रायला कॉरपोरेशन इट्स एज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम स इनकम इ रेंटिंग का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया आपका रेंटिंग के बाद अभी क्या है अभी गिफ्ट क्या अच्छा एक और पहले छोटी मोटी बातें बता देती हूँ रॉयल्टी इनकम इधर ही आएगा एग्री इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल अंडर आई ओ एस सो यू कैन जस्ट नोट डाउन एनी अदर इनकम बेसिकली कैन कम एनी अदर इनकम या रायला कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल मॉड्यूल में होना चाहिए श्वेता आई थिंक इट्स देयर इन द मॉड्यूल इट शुड बी देयर इन द मॉड्यूल या एनी अदर इनकम अभी एडी अदर इनकम अगर रेसिडरी हेड है मतलब फर्स्ट फोर में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हो सकता है मान लीजिए रॉयल्टी uh, आपने कहीं सेमिनार या कॉन्फ्रेंस लेक्चर देने गए आप, आप पेपर राइटिंग चेकिंग कर रहे हो आप वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं हो सो एनी अदर इनकम और इट कुड बी एग्री इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एग्री इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया येस आई नो शेयर इश्यूड एट अ प्रीमियम भी कराना है और गिफ्ट कराना है तो ये दो पॉइंट्स और फिर कौन से खर्चे अलावेबल और कौन से खर्चे अलावेबल नहीं है इमिजिएटली प्लीज़ आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आई ओ एस के और जो भी डाउट्स हैं आप अगले क्लास में मुझे पूछ सकते हैं अनदर टेन फिफ्टीन मिनट्स एंड वी शुड बी एबल टू रैप अप दट चैप्टर ऑफ आई ओ एस ओके रॉयल्टी इनकम एग्री इनकम एक्सेट्रा इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ और भी इनकम होगा जैसे एग्जाम में कुछ और आ गया आप पहले देखिए फर्स्ट फो हेड में फिट हो रहा है बिजनेस है तो बिजनेस में लीजिए प्रॉपर्टी है तो एचपी में जाएगा कुछ बेच रहे हो तो कैपिटल गेंस में आएगा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है तो सैलरी में आएगा ये कुछ भी नहीं है तो कहां जाएगा फिर आयोज का दरवाजा तो हमेशा खुला है करेक्ट अब गिफ्ट वाला पार्ट ओके okay. चलो गिफ्ट वाले पार्ट में बता दूं अभी मैं फटाफट आकर आती हूँ दस मिनट तो गिफ्ट को नहीं फिर भी आई थिंक ट्वेंटी अप द अदर कॉन्सेप्ट्स इज दैट ओके दर तो लेकिन आईओएस चैप्टर काफी अच्छे से हो गया मतलब फाइव हेड्स में से आईओएस हो गया है पीजीपी बड़ा वाला टॉपिक हो गया सैलरी में कराऊंगी एचपी आप ट्राई कर सकते हैं रिविजन करने का तो हो जाएगा ठीक है बेटा बिकॉज आई डोंट हैव टू फोकस ओनली ऑन इनकम टैक्स मुझे आगे जीएसटी uh, भी कराना है ठीक है चलो अब जो अदर इनकम है नाइन्थ वाला आई टॉक अबाउट गिफ्ट इनकम ठीक है गिफ्ट अब एक गिफ्ट किसके लिए है रिसीवर के लिए है मैम फिक्स एक्सपेंसेस वाला कॉन्सेप्ट एक बार कहाँ वाला सोनू हुँ? कौन सा वाला कॉन्सेप्ट फिक्स एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट हाँ ना एक मिनट ऐसा करो ना आखिरी में डाउट्स पूछना तो आखिरी में कहीं किसी को कुछ एग्जाम्पल है तो इमीडिएटली दे दूंगी ठीक है अब पहले फ्लो अच्छा और लिंक अच्छा बनाए तो फिनिश कर देते हैं सो गिफ्ट की बात करेंगे गिफ्ट uh, की जो बात करेंगे प्लीज अंडरस्टैंड हाँ अवार्ड्स वगैरह हर्ष गुप्ता करेक्ट किसी को कुछ अवार्ड मिल गया कुछ और भी आपको किसी ने पैसे दिए है कुछ भी है तो वो यहाँ पे आना ही है अब गिफ्ट है रिसीवर जो है उसके हैंड्स में ये टैक्सेबल होने वाला है जनरली आई डिवाइडेड इन टू फाइव कॉलम्स एक होता है कैश गिफ्ट या गिफ्ट इन बैंक से आता है जो फिर होता है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फिर होता है गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अब लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या जान के गिफ्ट नहीं देंगे गिफ्ट की जगह बोलेंगे कि यार गिफ्ट नहीं देंगे क्या बोलेंगे गिफ्ट की जगह बोलेंगे कि हम सिर्फ द, मैं देखो गिफ्ट दू प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगा तेरा चल मैं देखो गिफ्ट नहीं देती पचास लाख की प्रॉपर्टी मैं देखो एक लाख में बेचती हूँ okay. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं गिफ्ट ये लूप होल ढूंढने की कोशिश हो रही थी आप याद रखना कि ये जो प्रोविजंस इनकम टैक्स के आते हैं ना दिस इज नॉट योर गवर्नमेंट्स एक्शन आपके एक्शन की रिएक्शन होती है आप जुगाड़ करने जाते हो फिर गवर्नमेंट को काउंटर करना पड़ता है तो इसलिए गवर्नमेंट ने यह बोला है कि इमूवेबल तो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट इन एडिकुएट परचेज भी हो सकता है कि माने आप क्या करते हो फिफ्टी लैक्स की प्रॉपर्टी है ओ यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा ये सब वो टेन परसेंट और वो सब बताना है आप परचेस करोगे एक लाख में तो यू गॉट अ बेनिफिट और आपका बेनिफिट कितना हो गया फोर्टी नाइन लैक्स तो फोर्टी नाइन लैक्स विल बी योर आई एस इनकम गिफ्ट वाला आपको याद रखना है इट कम अंडर सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन अगर आप इसका सेक्शन नंबर याद रखोगे तो बढ़िया हो जाएगा सेक्शन फिफ्टी सिक्स ही पढ़ा रही हूं मैं आपको कब से कि फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर आई ओ एस फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर आई ओ एस अब सुनना इन कैश फाइव थाउजेंड नो इस्माइल फाइव थाउजेंड ये पचास हज़ार है पाँच हज़ार वो गिफ्ट और वाउचर वाला एम्प्लॉई एम्प्लॉयर में है वो सैलरी में आता है वो यहाँ नहीं आता है तो पहले तो ये सेक्शन है फिफ्टी सिक्स टू टेन डू यू अंडरस्टैंड दिस ओके अब होता है इन एडिकुएट परचेज ये एग्जाम्पल दिया मैंने इन एडिकुएट परचेज का ये एग्जाम्पल दिया किस चीज़ का मैंने आपको इन एडिकुएट परचेज का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया इन एडिकुएट परचेज का एग्जाम्पल दे दिया अच्छा किसी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं हो रही है प्लीज़ एक दूसरे को आप लिंक शेयर कर दीजिए वरना मैं कल के लेक्चर में आपको लिंक दे दूंगी अब उस सुनना कल भी मैं मिल रही हूँ आपसे आई का चैप्टर करा दूंगी जो जो एक एक दिन में हो रहा है वैसे करा रही हूँ तो छब्बीस को मेरी छुट्टी होगी छब्बीस क्या तारीख़ है थर्सडे छब्बीस को क्या दिन है थर्सडे हाँ, है ना हाँ ठीक है फिर फ्राइडे को भी देखती हूँ कौन सा टॉपिक करवाना है ठीक है चलो अब कैश इमूबल मूवेबल और इन एडिकुएट परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिकुएट परचेज ऑफ बिल्कुल अंडरस्टैंड ये मे ट्वेंटी थ्री के हिसाब से सारे अमेंडमेंट्स कवर हो रहे हैं आप चिंता मत करो फिर भी मैं अमेंडमेंट्स का भी एक अलग लेक्चर ले लूंगी आई एम वेटिंग फॉर स्टेच्यूटरी अपडेट्स पहले कैश अगर किसी ने आपको कैश गिफ्ट किया तो वो टैक्सेबल होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट किया टैक्सेबल होगा मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट किया टैक्सेबल होगा आपने इन एडिक्वेट परचेज किया बॉस लुक एट दिस एग्जाम्पल आपने जो 50 लाख की चीज़ है वैल्यू उसकी एस डी वी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आई यूज़ द वर्ड एस डी वी विच इज़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसकी फिर पचास लाख है आपको एक लाख से मिला परचेज किया तो फोर्टी नाइन लाख का बेनिफिट हो गया तो ये आपका आयोस इनकम है लोगों को लगा हमने जुगाड़ कर दिया ये गिफ्ट वाला प्रोविजन है नहीं नहीं ये गिफ्ट वाला नहीं है गिफ्ट का मतलब होता है रिसीट्स विदाउट कंसिडरेशन प्लस यहाँ पे इन एडिकुएट परचेज की चैप्टर और कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ के स्टार परफॉर्मर बहुत है इस सेक्शन के जहां पे आप गलतियां करोगे प्लीज इसको नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट है मूवेबल की डेफिनेशन मूवेबल के डेफिनेशन में सब कुछ नहीं आता है आई हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ टीचिंग दिस और सेइंग दिस इन द क्लास हाउ वी हैव सेड अगर आप रिकॉल करेंगे अगर आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं है तो भी चलेगा देखो शेयर्स सिक्योरिटीज क्या बोल रही हूँ मैं फॉलोइंग इसमें क्या कवर होता है शेयर्स कवर होंगे शेयर्स सिक्योरिटीज सो देखो शेयर्स है सिक्योरिटीज है ड्रॉइंग्स है बुलियन है ज्वेलर अदन इन एक मिनट आई लाइ हाँ आई चेंज द दीक्वेंस आई टेल यू ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स सिक्योरिटीज पेंटिंग्स ड्रॉइंग्स ज्वेलरी बुलियन तो बुलियन माने कॉइन्स बिना मतलब ज्वेलरी नेकलेस रिंग चेन ये ज्वेलरी इिंग्स ब्रेसलेट ये क्या होता है आपका ये ज्वेलरी होती है और जो कॉइन्स होते हैं बिस्किट्स होते हैं ये बुलियन में कवर होते हैं तो देखो शेयर्स सिक्योरिटीज ड्रॉइंग्स पेंटिंग्स बुलियन ज्वेलरी वर्क ऑफ आर्ट Archaeological collection and sculptures. ये सारा आता है है में तो assets की definition आपको बहुत ध्यान से करनी है. कोई आपको ये गिफ्ट करता है तो 56 सिक्स टू टेन अप्लाई होगा अगर आप ये इनएडिकुएट परचेज करते हो तो ये भी 56 सिक्स टू टेन में आएगा माने इसकी मार्केट वैल्यू किसी पेंटिंग नो किसी फेमस uh, पेंटिस्ट uh, है नॉट लाइक मंजू भाई वगैरह ऐसा नहीं फेमस uh, पेंटर है जिसकी आपके जो पेंटिंग है वो मार्केट वैल्यू उसकी पचास पाँच लाख है हाँ पाँच लाख की है और आपने डिस्काउंट में चार लाख में खरीदी तो बेटा वो एक लाख जो है आपका इनकम बन जाएगा एक लाख है जो आपका इनकम बन जाएगा जयंत बिल्कुल सही वीडियो और क्रिप्टो को ऐड किया लेकिन उसको इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट ने ऐड किया लेकिन आईसीआई ने उसको यहाँ से काट के आपके फाइनल में डाल दिया तो <laughs> वी डी ए वीडीए का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है बट इट हैज़ बीन शिफ्ट इट हैज कम इन फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी इट इज इन फाइनल तो एक आपने नोट्स में मार्क करना है डेफिनेशन ऑफ मूवेबल ये क्यों इम्पोर्टेंट है अगर कोई आपको रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है कार गिफ्ट करता है मोबाइल फोन गिफ्ट करता है बेटा इट डजेंट कम इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल असेट तो इसके गिफ्टिंग पे टैक्स नहीं लगता अब बच्चों को दर्द होता है मैम मुझे तो कार गिफ्ट करी किसी ने तो इसका क्या करूँ क्या करूँ मैं अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ कुछ नहीं करना मैं अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रही हूँ इसकी एंट्री नहीं करनी है एंजॉय करो और टैक्स भी मत दो इट्स अ कैपिटल रिसीट एग्जाम फ्रॉम टैक्स वैसे मैं आपको बताती हूँ गिफ्ट मिल आपको कोई गिफ्ट देने वाला ऐसे आसानी से मिलता नहीं वो सिर्फ थ्योरी में मिलता है हमें हाँ हाँ, हाँ। तो ये सिर्फ आपको कहाँ मिल सकता है थ्योरी में और आईओ में वरना रियल लाइफ में गिफ्ट देने वाले इतने इंसान आपको मिलेंगे नहीं सो लेटर्स अंडरस्टैंड डेफिनेशन आ गई इन एडिकुट परचेज भी हो गया अब सुनना है मैम इधर लिमिट इज फिफ्टी थाउजेंड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑल ट्रांजेक्शन इन अ ईयर ईयर इट इज इमुबल प्रॉपर्टी के लिए फिफ्टी थाउजेंड फॉर ईच मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी मूवेबल के लिए फिफ्टी थाउजेंड फॉर ऑल सबके लिए ऑल है सिर्फ इमूवेबल की वैल्यू ज्यादा है ना तो उधर ईच कर दिया है हाँ समझा क्या अब बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ फ्रेंड ओके फिरंगी ही ई गेव यू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड गिफ्ट कैश में कैश मतलब चेक भी होता है कैश मतलब क्या भी होता है चेक देसी आपके फ्रेंड है ये सब एक ने बीस हज़ार दे दिया बजरंगी हाँ वो बोल रहे थे रियल में नहीं मिलेंगे पहला फिरंगी देसी बजरंगी ये भी इसने थर्टी दे दिया अब तुम बोलोगे क्या हर एक का लिमिट पचास के अंदर है तो एग्जाम हो जाएगा नहीं वी चेक फॉर टोटल टोटल ऑल फिफ्टी थाउजेंड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इन अयर तो बेटा टोटल क्या आ रहा है ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब दूसरा एक्सीडेंट स्पॉट वॉट इज टैक्सेबल दो आंसर पच्चीस हजार सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्या सही आंसर है दिस इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन ये एक्सीडेंट स्पॉट है क्या ये एक्सीडेंट स्पॉट है बच्चों को लगता है मैम पचास हजार तक एग्जाम माइनस कर दो बचा हुआ टैक्सेबल कर दो बॉस ऐसा नहीं होता है हाँ सेवेंटी फाइव थाउजेंड टैक्सेबल होगा इज दैट ओके चार पांच कॉलम्स अलग से बनाना क्योंकि हर एक का लिमिट अलग है कंबाइन करके मत करना ठीक है अब आपको एक और चीज यहाँ पे समझनी है ये इन एडिकुएट परचेस यह आप समझ लो इसका केस स्टडी मैं आपको दे दूंगी वैसे मैंने किया होगा अगर आपने मेरा कल का लेक्चर नंबर फोर देखा होगा वेर आई डिड दैट टेन परसेंट का केस स्टडी मैंने डिस्कस किया है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी है कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी में और ये रिसीवर के एंगल से इन एडिकुएट परचेज देखो अब यहाँ पे समझना एक सेलर है और एक बायर है मैम सेलर और बायर कैसे आ गए अरे क्योंकि प्राइस है ना कंसिडरेशन है सेलर इज सेलिंग फॉर 45 lakhs. SDV is 50 lakhs. Buyer ke liye purchase price is 45 lakhs. Now, from buyer's angle, we will study in iOS. POV. Buyer's POV. Oh my god. POV is point of view. Buyer's POV. POV is point of view. हाँ यहाँ दो बार टैक्सेबल होगा सचिन बिल्कुल सही पनिशमेंट मिलेगी जहां जहां तुम ब्लैक मनी की तैयारी आ रही है ना वहां पे गवर्नमेंट बिंदास डबल टैक्सेशन कर देगी तो यहाँ होगा पहले बायर के व्यू पॉइंट से तो बायर के पीओवी पी से आएगा आईओएस में अब आईओएस में कैसे आता है पहले तुम लिखोगे बेनिफिट बायर बोलेगा क्या कर रहे हो तुम कुछ भी अरे इसको बोलेगा बेनिफिट है ना तू पचास लाख की चीज़ फोर्टी फाइव में ले रहा है तो हाउ मच इज़ द बेनिफिट फिफ्टी लैक्स माइनस फोर्टी फाइव लैक्स 50 लाख की चीज तुझे 45 लाख में मिल रही है बॉस तो ये क्या है बेनिफिट तो बेनिफिट इज 5 लाख बट कुछ एक्जाम्पशन है क्या है एक्जाम्पशन कितना है 50, 000 का है वो तो आईओएस वाला है लेकिन मुझे वो 10% वाला भी चाहिए 10% ऑफ परचेज प्राइस तुमको पता है अपन ऐसा लोडिंग करते हैं कल ये अगर लेक्चर आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए वापस और लेक्चर देखिए नहीं मैम आप लाइव लेते हो ना तभी हम लेक्चर देखते हैं एग्जाम मुझे नहीं पास करना तुम्हें पास करना है ये लाइव और ये रिकॉर्डेड उसके नखरे छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो अभी समझ में आ रहा है क्या सो टेन परसेंट ऑफ परचेज प्राइस विच एवर इज हायर तो पता है वो मैंने कल की प्रॉब्लम में किया ये सेल प्राइस है उस पर टेन परसेंट लोडिंग है मुझे टेन परसेंट लोडिंग का बेनिफिट बायर को भी देना है सेलर को हम टेन परसेंट का बेनिफिट दे रहे हैं तो बायर को भी देना चाहिए लॉ शुड बी फेयर फॉर एवरीबडी इट हैज़ तो टू बी इक्वल फॉर एवरीबडी ओके सो देखो एग्जाम्शन मिलेगा पचास हज़ार अरे यार एग्जैक्ट पाँच लाख ले लिया मैंने अच्छा ठीक है कोई बात नहीं एस कितना है नहीं आ जाएगा ओके ओके परचेज प्राइस का लेना है टेन परसेंट ऑफ परचेज प्राइस विच इज़ फोर्टी फाइव लैक्स तो आपको बेनिफिट एग्जम्पन मिलेगा पचास हजार और फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज हायर तो आपको एग्जाम्पन मिलेगा साढ़े चार लाख का लेकिन आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है मेरा बेनिफिट पांच लाख है विच इज मोर देन द एगम्पन एंड देयरफॉर द एंटायर फाइव लैक्स विल बिकम टैक्सेबल दिस विल बिकम टैक्सेबल बिकॉज इट एक्सीड्स टैक्सेबल एज इट एक्सीड्स एग्ज्शन पूरा टैक्सेबल होगा तो दस परसेंट का आपको बेनिफिट या पचास हजार का बेनिफिट मिलेगा अब सेलर क्या करेगा सेलर अगर बिल्डर है सेलर अगर बिल्डर है उसका बिजनेस है तो ये फोर्टी थ्री सी एम ए उसका सेल प्राइस एक्चुअल सेल प्राइस देखो कैसे करेगा बिल्डर बोलेगा एक्चुअल सेल प्राइस कितना एक्चुअल सेल प्राइस लिख के लो तुम लोगों को मैं बोल रही हूँ फोर्टी फाइव लैक्स उस पे टेन हंड्रेड एंड टेन परसेंट का लोडिंग ये सेल प्राइस हंड्रेड एंड टेन का लोडिंग फोर्टी फाइव लैक्स का हंड्रेड एंड टेन मतलब फोर्टी नाइन लैख फिफ्टी क्या एस डी वी पचास लाख ओ एस डी वी स्टिल हायर

110% का लोडिंग तो 49 लाख 50 हो गया कंपेयर दिस विध एस डी वी एस डी वी इज हायर देन हायर वैल्यू विल बिकम द सेल कंसिडरेशन एक्चुअल सेल प्राइस लेने का यू नो निर्मला सीतारामन से ना 10% तक मुझे टॉलरेट होता है हाँ तुम एस डी वी हायर है कम प्राइस में क्यों बेच रहे हैं चलो टेन परसेंट में टॉलरेट कर लेती है मैं समझ लेती है टेन परसेंट वगैरह कभी डिस्काउंट देना पड़ता है उससे भी ज्यादा है नहीं चलेगा तो ये सेल प्राइस उसके ऊपर 110 और फिर एस डी वी विल बिकम हायर एक्जाम्शन लिमिट 50 और 10 परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव लैक्स उसके बाद फिर से समझाओ हाँ तो एक्जाम्शन लिमिट श्वेता आ गई साढ़े चार लाख अब कंपेयर एक्जाम्शन एंड बेनिफिट बेनिफिट कितना है पांच लाख इस फाइव लैक्स एक्सीडिंग फोर लैख फिफ्टी फाइव लैक्स इज एक्सीडिंग फोर लैख फिफ्टी येन वन इट एक्सीड इट इज गोइंग टू बिकम योर

का है नहीं। इधर किया कि है लेकिन तेरा आया सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव पचास के ऊपर है तो पूरा टैक्स करेगी वैसे ही इधर है कि एग्जम्शन साढ़े चार लाख है लेकिन तेरे को फायदा पांच लाख का हुआ तो पूरा पांच लाख तेरा इनकम समझा तो परचेजर के लिए भी इनकम एंड सेलर uh, के लिए भी सेल प्राइस बढ़ जाएगा तो उधर भी इनकम बढ़ेगा इधर भी इनकम बढ़ेगा ठीक है ओके okay? परचेजर के एंगल से एक और बात है परचेजर ने टीडीएस कट करना चाहिए अगर मैं 50 लाख के ऊपर कोई इमोएबल प्रॉपर्टी खरीदती हूं तो मुझे 1 परसेंट टीडीएस करना होता है ये मैं आपको टीडीएस के चैप्टर में रिकेप करके दे दूंगी ओके okay? डन चलो तो गिफ्ट वाला पार्ट हो गया क्या गिफ्ट वाले पार्ट में एक्सेप्शन है वो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ गिफ्ट वाले पार्ट में एक्सेप्शन है अगर आपको गिफ्ट किसी की शादी अच्छा और एक हाँ दो तीन यहाँ पे अमेंडमेंट है ध्यान से सुन के लेना अच्छा अफकोर्स अच्छा, अच्छा, सुनो ना अगर एस कभी कभी दो अलग एस दिए क्या दिए दो एस आ गए आपके पास कम कभी कभी क्या होता है ना मैं एग्रीमेंट करती हूँ आज एग्रीमेंट आज करती हूँ और आ, मेरा रजिस्ट्रेशन होता है बाद में तो एग्रीमेंट पहले और रजिस्ट्रेशन बाद में तो दो एस आ गए तो मैम कौन सा एसडीवी लेंगे एग्रीमेंट तो वाला एस लेंगे प्रोवाइडेड ये एग्रीमेंट वाले डेट पे अकाउंट पे ही चेक या ईसीएस मोड से एडवांस आया होगा यस इस्माइल तूने कल का लेक्चर नहीं देखा शायद ये बिल्डर वाला पार्ट कल हो गया है इस्माइल हैव यू लेक्चर इट्स ऑलरेडी डन 43 से उधर हो गया है ठीक है ओके या सो अगर ये क्लास और ये ये है देखो एग्रीमेंट वाला एस है और रजिस्ट्रेशन वाला है तो आपको कौन सा लेना है यस एग्रीमेंट yes. वाला ले सकते हैं एस अगर वो Check. चेक से पेमेंट हुआ है तो करेक्ट यस yes. आगे तो ये बात हो गई अभी एक्सेप्शन आपको बताती हूँ रिलेटिव ने अगर आपको गिफ्ट किया तो वो एग्जाम होगा यू गेट इट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज शादी के टाइम गिफ्ट मिला तो एग्जाम्ट है तो मैम बेस्ट है शादी कर लेते हैं आपको ना तो शादी करने वाला मिलने वाला है ना गिफ्ट देने वाला मिलने वाला है तो अभी आप करियर पे फोकस कीजिए ठीक है तो पहले तो दो चीजें हैं अगर आपको शादी के टाइम ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इफ यू गेट सम गिफ्ट इट इज एक्जम यस अगर आपको किसी के पर्सन के डेथ के टाइम वो आपको कुछ दे रहा है तो इट इज एग्जम एक सेकेंड एक सेकेंड ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड Uh, आपको क्या करना है यहाँ पे ओके okay. कि uh, मैं आपको एक्सेप्शन बता रही हूं ठीक है हाँ स्माइल विथ ओके वेरी गुड क्वेश्चन एक सेकेंड आई एल कवर दैट अगर साढ़े चार लाख से कम बेनिफिट मिला उस एग्जाम्पल में जो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी एक मिनट वो अच्छा पॉइंट है एक मिनट किधर है किधर है हाँ यही था यही ना ये यह? ये भी नहीं है ये इधर अच्छा ठीक है अब देखो हाँ ये सवाल अच्छा है कि अगर मुझे साढ़े चार लाख से बेनिफिट मैम इधर बेनिफिट ये साढ़े चार की लिमिट है अगर साढ़े चार से कम बेनिफिट आता तो एग्जाम फिर गिफ्ट इनकम और फिफ्टी सिक्स टू टेन इज नॉट एप्लीकेबल अप टू एग्जाम्शन का अमाउंट है तो एग्जाम होगा एग्जाम्शन के बाद इट विल बिकम टैक्सेबल ओके इसमाइल कोई बात नहीं है फिर से तो फर्स्ट लेक्चर पी के चार लेक्चर्स हो गए उसमें वो बिल्डर वाला कॉन्सेप्ट कवर हो गया है कोई बात नहीं है अब सुनो अब एक्सेप्शन करते हैं कि कब गिफ्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होगा उस एक्सेप्शन में एक अमेंडमेंट भी है सुन के लेना ओके okay, अब सुनते हैं मैरिज के टाइम रिलेटिव ने गिफ्ट दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा ये स्टार परफॉर्मर है इसलिए फोकस करना रिलेटिव ने अगर गिफ्ट दिया तो एग्जाम्ट होगा मैरिज के टाइम आपको गिफ्ट मिला तो एग्जाम्ट होगा आपको कोई विल में कुछ गिफ्ट देके जाता है आप पेरेंट्स से कुछ इनहेरिट करते हो तो वो एग्जम्ट होगा आ, कोई पर्सन की डेथ हो रही हो और मरते समय बोलता है हाँ मरने के बाद ये सब मेरा जो भी है ये तुम्हारा है तो ये भी एग्जाम्ट हो जाएगा ये एग्जाम्शन में कवर्ड है एक्सेप्शन में कवर्ड है कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आपको <coughs> कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आपको कुछ गिफ्ट देती है ये एग्जाम्ट होगा लोकल अथॉरिटी कुछ गिफ्ट करती है ये भी एग्जाम्ट होता है और आपको शेयर्स अगर अमालगमेशन और डी मर्जर के टाइम मिलता है तो गिफ्ट एग्जाम्ट होता है रिलेटिव जो होता है इंडिविजुअल के लिए अलग होता है और एच को अगर अपने मेम्बर्स एच के मेम्बर्स गिफ्ट करते हैं तो वो एग्जाम्ट होता है तो बिल्कुल वो एग्जाम्ट होता है ओके नाउ लेटर्स अंडरस्टैंड एनी ट्रांसफर बिटवीन होल्डी ओल्ड एंड सब्सिडरी कंपनी विल बी एग्जम्प्ट उसके बाद फिफ्टी सिक्स टू टेन होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में एग्जम्पन होगा अब आपको ये समझना है कि ये दो एक्सेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चलो एग्जाम्पन समझ में आ गया क्या फटाफट बोलो क्या रिलेटिव मैरिज डेथ विल इनहेरिटेंस चैरिटेबल ट्रस्ट लोकल अथॉरिटी ने दिया तो एग्जम्प्ट होगा अब आता है कोविड वाला पार्ट और ये मेरे हिसाब से मे 23 के लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने मे 23 थ्री के लेक्चर्स नहीं देखे नवंबर 22 में एग्जाम दिया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सो so, अमेंडमेंट ये है कि बेटा अगर देखो मैं आपको यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से क्लैरिटी देती हूँ हियर इज़ दैट अमेंडमेंट एम्प्लॉयर ये सैलरी में कवर करने ही वाली हूँ लेकिन बता देती हूँ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयी के लिए कोविड के एक्सपेंसेस कर रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस ये कौन से वाले कोविड तो मैम ये तो पर्कजिट हो गया सैलरी में आ गया ये कौन से एक मिनट यहाँ पे करती हूँ तुमको कुछ लिखवा के दिया है क्या तभी ओके mm -mm. okay, देखो लिखा है एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय को आपको दिख रहा है क्या ये कोविड का एक्सपेंसेस दे रहा है तो बेटा इसको ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा सैलरी में और सैलरी में ये एग्जाम परक्विजिट है ये अमेंडमेंट है कि इट्स अ एग्जाम परक्विज एम्प्लॉयर आपके लिए कोविड का खर्चा कर रहा है तो एग्जाम है फिर मैम ये आईओ में क्यों दिया है अरे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को करेगा तो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आएगा बट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की नहीं कर रहा है वो एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को कोविड का खर्चा कर रहा है तो बेटा ये आईओ में आता है फिर तो गिफ्ट बन गया ना मैंने अगर एम्प्लॉई की मदद करी तो सैलरी के चैप्टर आएगा क्योंकि रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉई एम्प्लॉयर है उधर भी ये एग्जाम पर क्विजिट है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर मे ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे ओल्ड लेक्चर देखे होंगे नवंबर ट्वेंटी टू के लेक्चर देखे होंगे यहाँ आपके लिए आता है बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है तो वो परक्विजिट में आता है मैम सैलरी में जाएगा लेकिन वो बन जाएगा एग्जाम परक्विजिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय को नहीं दे रहा है वो एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर को मदद कर रहा है तो बेटा ये आईओ में आता है गिफ्ट में आने की बहुत संभावना है मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तू मेरे रिलेटिव नहीं हो फिर भी मैं तुम्हारी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हूँ दिस इज नथिंग बट दिस इज मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है राइट सो दिस इज आई दिस इज कंप्लीटली एग्जम्प्ट यह फुल्ली एग्जम्प्ट है तीसरा एनी एनी पर्सन एनी पर्सन इज हेल्पिंग एनी अदर पर्सन मतलब यहां पर कोई वो एम्प्लॉयर नहीं है कि ऐसे नहीं है कि मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए हेल्प करा एक सेकेंड आई जस्ट कॉल उसको भूख लगी है अभी आई एस कंप्लीट करके खाना मिलेगा तो क्या होगा फिर वो आईओ का लेक्चर है ना फिर वो लिंक कल कंप्लीट नहीं होगा ना तो कंप्लीट कर ही लेते हैं फिर चलो अब सुनो ओके okay. अब सुनना अगर कोई एनी पर्सन दूसरे एनी पर्सन को मदद कर रहा है कि मुझे ऐसे ही किसी ने आके ऑफिस में या ऐसे मुझे पता चला कि यार ये फलाना फलाना थर्ड पर्सन है ये कोविड की वजह से सफर कर रहा है तो आई एम हेल्पिंग हिम इन कोविड या उस पर्सन की डेथ हो गई है फिर मुझे उनको कुछ हेल्प करना है उनकी फैमिली को मदद करनी है तो अप टू टेन लैक्स इट इज एग्जाम अब डिफरेंस क्या है वन टू एंड थ्री में चलो तुम बताओ वन में क्या है मैम वन में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर है तो वो सैलरी में आ रहा है वो पर्कोजिट एग्जाम है मैं एम्प्लॉई और मुझे कोविड में मेरे बॉस ने हेल्प किया तो बॉस सैलरी में आएगा ये एग्जाम परक्विजिट है कोविड मुझे नहीं हुआ एम्प्लॉय को नहीं हुआ कोविड की तकलीफ एम्प्लॉय के फैमिली को हो गई तो एम्प्लॉयर और मेरे फैमिली मेंबर के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इसलिए वो आईओ में आता है लेकिन वो एग्जाम होता है अब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का तो पिक्चर ही नहीं है थर्ड में थर्ड में कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को कोविड की हेल्प कर रहे ओके यस तो इन्फोसिस ने बोल दिया कि जाके तुम ढूंढो हमको कोविड में देखने का कौन कौन लोग हैं जो कोविड में सफर कर रहे हैं उनकी फैमिली मेंबर है तो फॉर्म आके भरो उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने हेल्प किया तो अप टू दस लाख ये एग्जाम परक्विजिट है लेकिन ये जो पैसे अगर आप किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसके बारह महीने के अंदर आपने देने चाहिए नहीं तो क्या हो गया कोविड को होके हो, हो गए आज तीन साल और डेथ mm -hmm. हो गई तीन साल अब तुम कुछ तो टैक्स प्लानिंग कर रहे तो नहीं चलेगा सो यू मस्ट गिव दिस मनी विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन अगर डेथ में उनको हेल्प करने की आप कोशिश कर रहे हो इज दैट ओके यस तो ये गिफ्ट वाला पार्ट हो गया अब आएगा शेयर्स का प्रीमियम वाला पार्ट ओके okay? हाँ अब मैं एक प्रीमियम वाला पार्ट आपको यहाँ पे बताती हूँ सुन के लो देखो कंपनी अगर शेयर्स शेयर से पैसे लेना शेयर एप्लीकेशन मनी में सबसे बड़ा जुगाड़ हो रहा था ब्लैक मनी को व्हाइट करने का गवर्नमेंट ने बोला बस चलता ही नहीं अभी अपने को ये चलेगा ही नहीं कंपनी एक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लेके आए और इनकम टैक्स में भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लेके आए तो जैसे आप कंपनी एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि शेयर एप्लीकेशन मनी को अलग अकाउंट पर रखना जरूरी है उसको शेयर तुरंत दे देने या छः महीने तक ऐसा कुछ रूल है वहाँ पर तो पढ़ा है क्या आपने लॉ में हाँ तो ऐसा आप वहाँ पर पढ़ोगे नो नो एक सेकेंड समीक्षा ओहो हो नो अदर मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली कोविड रिलेटेड ओहो हो ये कोविड के लिए चल रहा है बेटा उसके लिए अमेंडमेंट है सब कोविड कोविड बोल रही हूँ ऐसा मत करना समीक्षा इट इज़ ओनली कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट हाँ आई एम कमिंग बैक टू दिस नाउ लिसन यू इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम हाँ तो वो देखो मैंने ना शेयर्स ले लिए कंपनी ने शेयर्स इशू किए मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कराओ मेरे शेयर्स की वैल्यू है पाँच सौ रुपया कितनी वैल्यू है पाँच सौ पाँच सौ मैं शेयर्स इशू करने वाली है नौ सौ पे और ही? मैं नौ सौ पे लेने वाली है तो मुझे नौ सौ रुपए दोगे तो मैं शेयर दूंगी अरे 500 सौ के शेयर में नौ सौ में दे रही हूँ पांच सौ के शेयर मुझे मिल कितने रहे पैसे नौ सौ कितना ज्यादा मिल रहा है कितना जास्ती मिल रहा है चार दैट 400 सो विल बिकम योर इनकम ये कंपनी के लिए इनकम है सो दिस इज दिस गिफ्ट लास्ट वाला पार्ट इज एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी फॉर अ कंपनी विच इज इशूंगे अगर आप फोकस करोगे यहाँ पे इट इज इशूंगीमियम ये पॉइंट कंपलसरी है कि प्रीमियम पर शेयर होने चाहिए एंड आपकी इशू प्राइस आपकी एफ एम ई से ज्यादा होने चाहिए मतलब मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो मुझे मेरी शेयर्स की वैल्यूएशन से ज्यादा मिल रहे है. तो मान के चलिए जैसे फेस वैल्यू सौ है और मैं इशू कर रही हूँ एक सौ बीस में एम आई एट इन प्रीमियम यस लेकिन अगर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन करने जाए तो वैल्यूएशन 110 है यार 110 की वैल्यू है मुझे 120 दे रहा है दस रुपए ज्यादा मिले चलो दस तेरा इनकम हो गया किसके लिए कंपनी के लिए कंपनी व्हेन इट इशूज प्रीमियम एंड इशू प्राइस इज मोर देन इट्स एफएमवी देन इट इज इनकम टैक्सेबल अंडर आईओएस डिड यू गेट दिस या yeah. इसमें वो अमेंडमेंट आया कोविड वाला बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रिलेटिव uh, की डेफिनेशन में याद रखना एच के मेंबर्स भी एच के रिलेटिव uh, होते हैं और ये जो रिलेटिव की डेफिनेशन है यहाँ पे ब्लड रिलेशन होता है इंडिविजुअल के लिए मतलब एक्स है तो उसकी वाइफ है रिलेटिव बन गई एक्स है तो उसके पेरेंट्स है एक्स के पेरेंट्स एक्स का ब्रदर एक्स का सिस्टर ब्रदर मतलब रियल है कजिन वगैरह नहीं आता है ब्रदर इज़ रिलेटिव सिस्टर इज रिलेटिव ओके चाचा रिलेटिव है मतलब फादर के ब्रदर रिलेटिव है आपकी मासी रिलेटिव है मदर्स के साइड फादर के साइड है बुआ रिलेटिव है ये सब रिलेटिव है ये सब रिलेटिव है अगर तुम देखते हो ब्रदर ऑफ द स्पाउस हु इज ब्रदर ऑफ द स्पाउस स्पाउस का भाई मतलब हा साला है फिर सिस्टर ऑफ द स्पाउस है फिर ब्रदर ऑफ फादर है तो ये चाचा हो गया ब्रदर ऑफ मदर मतलब मामा सिस्टर ऑफ फादर मतलब बुआ और सिस्टर ऑफ मदर मतलब मासी लीनियल असेंडेंट मतलब आपके पूर्वज ग्रैंड फादर दादा आपके जो स्ट्रेट लाइन line है लीनियल स्ट्रेट लाइन आजू बाजू वाले नहीं लाइक यू योर फादर योर ग्रैंड फादर हिज फादर हिज फादर ऐसा एंड लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल मतलब चिल्ड्रेन अंकित मैम इज सिस्टर इन लॉ सिस्टर इन लॉ मतलब तू क्या बोल रहा है इस पार्ट में आ रहा है क्या सिस्टर इन लॉ मतलब ब्रदर अगर रिलेटिव है तो ब्रदर की वाइफ सिस्टर इन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में मतलब भाभी बोल रहा है क्या तू तो ब्रदर अगर रिलेटिव है तो उनके स्पाउस भी रिलेटिव है अगर चाचा रिलेटिव है तो चाची भी रिलेटिव है मामा रिलेटिव है तो मामी भी रिलेटिव है मतलब आ, उनके स्पाउस भी रिलेटिव होने वाले हैं लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल मतलब आपके बच्चे लीनियर असेंडेंट ऑफ द स्पाउस मतलब स्पाउस के पेरेंट्स मतलब आपके सास ससुर और लीनियल डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस अलग से क्यों बोला है इसलिए करेक्ट तो अब कौन से खर्चे अलाउड है और कौन से खर्चे अलाउड नहीं है आखिरी वाला पार्ट अब कौन से खर्चे अलाउड है ये देखो कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है जनरली इंटरेस्ट अलाउड बैंक चार्जेस बैंक कमीशन इज अलाउड डिविडेंड इनकम में सिर्फ ट्वेंटी और फिर मैंने आपको ये भी बोल दिया पता है अगर आपने ना मैचिंग प्रिंसिपल होता है प्लांट एंड मशीनरी का रेंट आईओ में ले लिया तो बेटा उस प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी आईओ में आएगा सेम एज पर सेक्शन थर्टी उसका रिपेयर भी आईओएस yeah. में आएगा लेकिन अगर प्लांट एंड मशीन का रेंट आपने पीजीबीपी में ले लिया oh, तो बॉस उसका खर्चा उसका डेप्रिसिएशन भी पीजीबीपी में आएगा आप आईओएस में ले लो या पीजीबीपी में ले लो थर्टी टू के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने फैमिली पेंशन में बोल दिया कॉम्पनसेशन इंटरेस्ट के लिए मैंने फिफ्टी परसेंट खर्चा बोल दिया अब आपको समझना है कैजुअल इनकम से कोई खर्चा अलाउ नहीं होता कैजुअल इनकम से कोई भी खर्चा अलाव नहीं होता ठीक है ये देखो ये 50% था परसेंट का फिक्स डिडक्शन ये बोलती हूँ अगर आपको इंटरेस्ट एनहांस कॉम्पनसेशन पे 5 लाख मिला आपका इनकम क्या होगा इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन 5 लाख मिला तो आपका इनकम क्या होगा टू लाख फिफ्टी कैसे 50% परसेंट माइनस करने के बाद जो बचा हुआ इनकम है बन जाएगा आपका आई ओ एस वाला इनकम करेक्ट हाँ अब कोई भी खर्चा मैम वो सेम है पीजीबीपी जैसा कैपेक्स है तो अलाउ नहीं होगा हाँ इनकम ऑन करने के लिए कोई भी खर्चा है तो वो अलाव होगा पर्सनल खर्चे अलाउ नहीं होंगे अगर आप खर्चा करना चाह रहे हो तो टीडीएस कट करना चाहिए पता है आपको पीजीबीपी वाले दो तीन पॉइंट सेम है यहाँ पे सेक्शन फोर्टी ए सेक्शन फोर्टी ए क्या बोलता है कैश में पेमेंट करना है तो दस हज़ार के ऊपर अलाउ नहीं करना है वो सेक्शन भी आईओएस में आईओएस में ना आपने किसी ड्राइवर की या रिपेयर मेंटेनेंस बारह हज़ार कैश में दे दिया मशीनरी का बेटा अलाउ नहीं होगा आईओएस में कैश वाला, वाला प्रोविजन अप्लाई होता है आईओएस में रिलेटिव वाला प्रोविजन अप्लाई होता है और टीडीएस वाला भी अप्लाई होता है माने बिना टीडीएस के आप किसी को पेमेंट करोगे तो थर्टी परसेंट डिस होगा बिना टीडीएस के अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करोगे तो थर्टी परसेंट डिस होगा बिना टीडीएस के अगर आप सामने वाले को सामने वाले को बिना टीडीएस के एनआर को पे करोगे तो हंड्रेड परसेंट डिस होगा समझ में आ रहा है क्या आपको यस तो कैपेक्स नहीं होना चाहिए कौन से खर्चे पर्सनल अलाउ नहीं होंगे इंटरेस्ट बिना टीडीएस के अलाउ नहीं होगा सैलरी टीडीएस के बिना अलाउ नहीं होगा सेक्शन फोर्टी ए आ गया मतलब कैश वाला रिलेटिव वाला विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी कैजुअल इनकम के अगेंस्ट कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा और पेमेंट बिना टीडीएस के देखो ये रिलेटिव ये कैश ये बोल दिया और पता है यहाँ पे भी डीम डिविडेंट हो सकता है कोई भी खर्चा अगर पहले डिडक्शन करके प्लीज यू कैन राइट दिस कोई भी खर्चा पहले डिडक्शन करके अलाव हुआ है अब रिकवर हो गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम पहले खर्चा अलाउ हुआ खर्चा अलाउ हुआ आईओएस में खर्चा अलाउ किया बाद में जैसे मैंने किसी एजेंट को कमीशन दे दी कुछ फी दे दी बाद में वो रिकवर हो गया एजेंट से काम नहीं हुआ कुछ हो गया तो मैंने रिफंड ले लिया तो बॉस मेरा इनकम बन जाएगा यस देख लो आई थिंक एंटायर चैप्टर इज डन नाउ एक बार ये अमेंडमेंट आपको देखना है तो मैं दिखा सकती हूँ या yeah, देखो एनी सम रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉई उसके डेथ के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर इज नॉट टैक्सेबल अंडर फिफ्टी सिक्स टू टेन बिल्कुल वो टैक्सेबल नहीं है एम्प्लॉई के डेथ के बाद मैं चाहती हूँ कि उसके फैमिली मेंबर्स को पैसे मिले मैं पैसे देती हूँ आई डोंट टैक्स इट अंडर आईओ ऑल्सो एम्प्लॉयर नहीं है एनी पर्सन गिविंग टू एनी पर्सन किसी के डेथ के बाद दस लाख की लिमिट सबके लिए नहीं है दस लाख की लिमिट सिर्फ थर्ड पॉइंट के लिए पहला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहा है वो पर्कजिट में जा रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की डेथ हो गई जैसे टाटा कंपनी ने किए उनके साथ कि जो भी एम्प्लॉय कोविड में एक्सपायर हो गए उनकी फैमिली को आ, बहुत उन्होंने हेल्प किया उन्होंने जो भी पैसे दिए एम्प्लॉय के डेथ के बाद इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर आईओएस एनी पर्सन टू एनी पर्सन एनी पर्सन टू एनी पर्सन के लिए दस लाख की लिमिट है मनप्रीत तू हेल्थ चेकअप पांच हजार इन कैश कब से बोल रहा है आयो इसमें कहाँ है वो वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ए डी में आता है बेटा पांच हजार हाँ बेटा ये नोट्स ने आपको लिख के लेना इस्माइल मैंने सब लिखवा के दिया अभी सिर्फ आखिरी के दो तीन पॉइंट लिखवा के नहीं दिया क्योंकि टाइम नहीं था कम था इसलिए ये एक एग्जाम्पल किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो देखो देखो किसी को अगर ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो डिविडेंट इनकम डिविडेंट इनकम अर्न वन लैख इसके लिए आपने लोन लिया थर्टी टू फाइव हंड्रेड यू कैन नोट दिस डाउन अब बाद में ये लेक्चर पॉज करके ये नोट कर सकते हो डिविडेंड का एग्जाम्पल देखो आप क्या ऑब्जर्व करो एक लाख का डिविडेंड मिला मैंने लोन लिया शेयर्स के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट थर्टी टू फाइव हंड्रेड है लेकिन पता है मुझे थर्टी टू फाइव हंड्रेड का खर्चा नहीं मिलेगा थर्टी टू फाइव हंड्रेड और ट्वेंटी थाउजेंड विच एवर इज लोअर तो मुझे बीस हजार का ही खर्चा मिलेगा और मेरा आईओ एस होगा एट्टी थाउजेंड आपको रिवाइज करना है गिफ्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है तो गिफ्ट वाले पार्ट के लिए आपको बिल्कुल सॉल्व करना है अच्छे से हो गया देखो कुछ छूट तो नहीं गया अभी बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट आई ओ एस इज ओवर एंड आई कैन कंक्लूड इट देन हाँ वो भी कल भी चेक कर सकते कोई भी लेक्चर में मैम हाँ कोई भी पूछ सकता है मैम आई एम नोटिंग इट बट आई नीड पी डी एफ इसमाइल एम नॉट गिविंग पी डी एफ दिस एंटायर चैप्टर बाकी तो हमने नोट करके लिया है यू कैन आस्क क्वेश्चन नाउ एम एल ए एंड एम पी सैलरी बोलो कहाँ जाएगा आई ओ एस में जाएगा देर नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैम टेन लैक्स की ट्वेल्व मंथ्स की लिमिट तुशांत तेरी क्वेरी थी इसलिए बोल भी दिया तुम सुनते नहीं हो तुशांत दस लाख की लिमिट सिर्फ एनी पर्सन टू एनी पर्सन के लिए है हाँ थर्ड केस में दस लाख की लिमिट सब केस में नहीं है चलो और कोई है क्या डाउट क्वेरीज क्वेरीज प्लीज सेंड योर क्वेरीज आज आप आईओ एस रिवाइज करोगे लर्न करोगे खत्म करोगे आपको क्वेश्चन जो है आपने जहां भी नोट से किए होंगे मॉड्यूल उठा के करना है मॉड्यूल से कर लीजिए सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल ऑल्सो यू कैन सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चन ऑल्सो एनी क्वेरीज नो एग्जाम्पल दिखा दीजिए आप बाद में भी लेक्चर इसको पॉज करके भी यहाँ पे ले सकते हैं ए तू ये कर देना इसका फ़ोटो डालना अपने इसके लेक्चर में यहाँ से स्क्रीन से फोटो ले लेना टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे अनिल आई विल शेयर वन मिनट क्वेश्चन के लिए आप मॉड्यूल uh, सॉल्व कर लीजिए आज अभी ये शेयर करूँ डिविडेंड वाला पार्ट नहीं, नहीं 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 शेयर प्रीमियम वाला पार्ट चाहिए ये आंसर है या मॉड्यूल इज इनफ राइट नाउ प्लस लिटिल बिट ऑफ योर नोट्स कहाँ से भी आपने किए होंगे वो प्लस मैं पेपर सॉल्विंग कराऊंगी तब समझेगा गुड स्माइल गो थ्रू इट टुडे कर लिया ये देख अच्छे से आया क्या सेंड वी आर सेंडिंग पिक्चर्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप आ गया अब ये अमेंडमेंट का फोटो तुम्हारे पास होगा कि अच्छा लिखा हुआ किसी ने अमेंडमेंट के तीन पॉइंट्स अच्छे से लिख के लिए होंगे तो वो फोटो शेयर कर दे आई थिंक ये नोट्स में से ये कर दो टेन ये इलेवन पॉइंट ये देखो ये इलेवन ट्वेल्व एंड ट्वेल्व ही है यही हाँ यही से क्लिक कर देते हैं या डोंट वरी अमेंडमेंट वापस होंगे ना पीजीपीपी के आंसर्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगी कल मैं लूँगी आईटीआर कल का शेड्यूल क्या है आईटीआर थोड़ा सा टाइम पे स्टार्ट करेंगे वो लॉ का क्लास लेट हो, हो रहा है इसलिए लेट हो रहा है बट आई विल टॉक टू अंकिता ऑल्सो एट इलेवन आई वॉन्ट टू स्टार्ट ना ओके यस थैंक यू सो मच टेलीग्राम के लिंक मैं कल शेयर करती हूँ लेक्चर के नीचे एक दूसरे को हेल्प करके प्लीज ऐड uh, कर दीजिए सब्सटैशियल इंटरेस्ट इज टेन परसेंट अजिंक इन दिस चैप्टर ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इज टेन परसेंट ओके या सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स स्टडी टूडे आयोज का चैप्टर लर्न कीजिएगा कल मैं आपके साथ रिवाइज करूंगी द टॉपिक ऑफ आई टी आर थैंक यू सी यू टूमोरो बाय बाय